हेलो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट वेट फॉर ए मिनट, अभी स्टार्ट करते हैं। एक मिनट वेट करिएगा। जस्ट वेट फॉर ए मिनट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कंवराराम जी, मयंक जी, मनीष जी, विनोद जी, हेमलता जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आवाज़ क्लियर है तो बता दो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट बता दीजिएगा अगर आवाज़ वगैरह सब क्लियर हो, फिर आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू करेंगे आज हम, और प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम टॉपिक से, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो हमने थ्योरी पार्ट कवर किया था उससे रिलेटेड एमसीक्यू आज कवर करेंगे। एक बार फटाफट बता दीजिए, इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट? सही है सब? तो स्टार्ट करेंगे अभी क्लास, ठीक है? क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, स्टार्टिंग में हम कुछ क्वेश्चन कल हम टॉपिक कर रहे थे, उसमें फ्यूज पार्ट हमारे पास रह गया था, जो फ्यूज से रिलेटेड हमने बेसिक्स नहीं डिस्कस किया था, तो इसलिए स्टार्टिंग में जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं वो फ्यूज से रिलेटेड रहे हैं, ताकि क्वेश्चंस भी हो जाए और साथ ही साथ उसका थ्योरी भी हमारे पास कवर हो जाए। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम थ्योरी कवर कर लेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि मेन फंक्शन ऑफ ए फ्यूज, फ्यूज का काम हमारे पास क्या होता है? लाइन को प्रोटेक्ट करना, सर्किट को ओपन करना, प्रिवेंट एक्सेसिव करंट, या नन ऑफ द एबो? विच इज द करेक्ट आंसर? मेन फंक्शन बताना है, करेक्ट, ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारे पास मेन फंक्शन बताना है किसी भी फ्यूज का, ठीक है? बताइएगा प्लीज क्या करना है। देखो, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम, तो जितने भी हमारे पास जो मेन मेन प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, उन सब का काम है पावर सिस्टम का प्रोटेक्शन करना, ठीक है? हाँ, हालांकि वो सर्किट को ओपन कर देगा, ये बात सही है, लेकिन एक्सेसिव करंट को भी प्रिवेंट करेगा, ये सही है, लेकिन मेन फंक्शन क्या है हमारे पास? मेन फंक्शन है किसी भी लाइन को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। इट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे देखिए जरा प्लीज, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही करिएगा। एक्सेसिव करंट को प्रिवेंट करता है, ये बात सही है, लेकिन प्रोटेक्ट द लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमारे पास सॉल्यूशन में एक्सेसिव करंट है, उसको सही कर दीजिएगा, ठीक है? आगे देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट, इन पैरेलल विद सर्किट, इन सीरीज और इन पैरेलल विद सर्किट, नन ऑफ द अबव, व्हिच इज द करेक्ट आंसर? हाँ, गलत है, वहां पे गलत हो सकता है बिल्कुल, ठीक है? किसी भी डिवाइस का मेन फंक्शन हमारे पास क्या होता है? प्रोटेक्शन करना, सिंपल सी बात है ये, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा हमारे पास कि फ्यूज जो है हमारे पास कहाँ कनेक्ट करते हैं? फ्यूज हमेशा जो कनेक्ट करते हैं सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है फेज वायर और न्यूट्रल वायर, तो फेज वायर के सीरीज में हमेशा कनेक्ट किया जाता है। किसके सीरीज में? फेज वायर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, न्यूट्रल वायर के सीरीज में नहीं कनेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, इन सीरीज विद द सर्किट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एचआरसी फ्यूज एज कंपेयर टू रीवायरेबल फ्यूज, एचआरसी फ्यूज जो होता है उसका रीवायरेबल फ्यूज के कंपैरिजन में हमारे पास क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है? हमारे पास तीन टाइप के मेनली फ्यूज होते हैं, मेनली तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? रीवायरेबल फ्यूज, कार्ट्रिज वाला फ्यूज और एचआरसी फ्यूज, तीन टाइप के फ्यूज हमारे पास होते हैं। तो एचआरसी फ्यूज का फुल फॉर्म क्या है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी मतलब हाई करंट रेटिंग में इसका यूज किया जाता है, और हाई करंट रेटिंग में जब इसका यूज करेंगे तो वहां पे इसका एक और प्रॉपर्टी होता है कि हाई
और फास्ट ऑपरेशन इसका रहता है, तो यहाँ पर हमारे पास नो एजिंग इफेक्ट रहेगा, हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन रहेगा, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर, डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट रहेगा। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको डिटेल से जानना है हमारे पास, तो एचआरसी फ्यूज वगैरह इन सब के हमारे पास जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए, लेकिन एचआरसी फ्यूज के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि एचआरसी फ्यूज में क्या होता है। एचआरसी फ्यूज में रियलिटी में यहाँ पे जो है, यहाँ पे कार्ट्रिज के अंदर सिलिका का पाउडर होता है, ठीक है, किस रेंज का, सिलिका का पाउडर, ताकि वो आर्क को क्या कर सके, एक्सटिंग्विश कर सके। ठीक है, अब जब हमारे पास ये फ्यूज जो है वो कौन सी करंट रेटिंग तक यूज करता है, ये 1250 एम्पीयर तक यूज करता है। ये रीवायरेबल फ्यूज के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और जब हमारे पास फ्यूज वायर जो है गल जाता है, तो हमारे पास जो है, जैसे रीवायरेबल फ्यूज में केवल वायर को निकालते हैं अपन, फ्यूज वायर को निकालते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, ध्यान रखिएगा। तो फ्यूज को भी चेंज करना पड़ेगा, फ्यूज कैरियर को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है एचआरसी फ्यूज में, और एक ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। हमारे पास फ्यूज की जो रेटिंग है वो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, फ्यूज इज रेटेड, फ्यूज रेटिंग इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म में हम फ्यूज की रेटिंग को एक्सप्रेस करते हैं ये बताइएगा प्लीज। फ्यूज रेटिंग इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ करंट, वोल्टेज, VAR और KVA। फॉर्म तो रीओपन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 आज क्या तारीख है, 2-4 दिन वेट करिए और रीओपन हो जाएंगे फॉर्म। फ्यूज जो है, फ्यूज में जो है हमारे पास करंट है, उसके करस्पॉन्डिंग इसका ऑपरेशन होता है। ये किसके ऊपर ऑपरेट करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, इसका जो प्रिंसिपल होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है। तो इसीलिए हमारे पास जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी जो रेटिंग होती है करंट के करस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है ना, आगे देखिएगा जरा प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बताइएगा कि अगर हमारे पास जैसे कोई डीसी लाइन है और एक एसी लाइन है, इसमें से अगर डीसी लाइन में डीसी फ्यूज यूज करोगे और एसी लाइन में एसी फ्यूज यूज करोगे, तो इसमें से किसकी साइज जो है वो ज्यादा होगी, डीसी फ्यूज की ज्यादा साइज होगी या फिर एसी फ्यूज की साइज ज्यादा होगी, कौन से फ्यूज की साइज हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। अरे क्या बात कर रहे हो, लेवल इंक्रीज करें संदीप जी। देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है स्विच ग्रिड एंड प्रोटेक्शन में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, और लेवल अभी अपने आप थोड़ी देर में इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि अभी तो मैं पूरे क्वेश्चन जो है वो डिजाइन ही नहीं कर पाया। किसमें फ्यूज की साइज बिगर होती है, डीसी सप्लाई में हमारे पास जो है फ्यूज की साइज बिगर होती है। ठीक है, आई थिंक आप सभी इसको ढंग से जानते होंगे, इसका रीजन क्या होगा वो आप सभी प्रॉपर तरीके से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपको आना चाहिए इसका रीजन क्या रहेगा। ठीक है, कोई रीजन बताएगा प्लीज मुझे इसको कंपेयर करके। डीसी में हमारे पास इसका रीजन अगर आप जानते हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो समझ सकते हो। डीसी में हमारे पास क्या होता है कि हमेशा कॉन्स्टेंट वैल्यू रहती है और ये हमेशा 0 वोल्ट से अबव रहता है। ठीक है, तो इसमें एक दिक्कत होती है डीसी में कि अगर मान लीजिए कोई भी वायर, जैसे ये इलेक्ट्रोड्स है, ये भी इलेक्ट्रोड्स है, कोई बीच का वायर जो है वो गल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गले हुए वायर के बीच में हमेशा जो है आर्क प्रोड्यूस होती रहती है, और अगर एक बार आर्क प्रोड्यूस होगी डीसी में तो वो कभी बुझती नहीं है, क्योंकि उसमें 0 इंस्टेंट तो होती नहीं है। इसीलिए हमारे पास डीसी में इलेक्ट्रोड को जो है एक दूसरे से थोड़ा दूरी पे रखा जाता है, तो जिससे उसकी साइज जो हो जाती है बिगर हो जाती है, ताकि आर्क को फ्लो होने से रोक सके। ठीक है, इसीलिए हम कंपैरेटिवली डीसी की केस में फ्यूज की साइज जो है वो ज्यादा रखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ए फ्यूज इज नेवर इंसर्टेड इन, फ्यूज को कहां पर इंसर्ट नहीं करेंगे फटाफट बताइएगा। न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल, नेगेटिव ऑफ डीसी सर्किट, पॉजिटिव ऑफ डीसी सर्किट, फेज लाइन, नेवर इंसर्टेड, कहां नहीं इंसर्ट करेंगे ये बताना है हमारे पास।
फ्यूज को जो है न्यूट्रल वायर में कभी भी नहीं इंसर्ट किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, आगे देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फ्यूज जो है हमारे पास मोटर सर्किट में प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मोटर सर्किट में किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? ओवरलोड के अगेंस्ट, शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, तीनों के अगेंस्ट या नन ऑफ द अबव? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा प्लीज। मोटर सर्किट में हमारे पास फ्यूज जो है देखो न्यूट्रल में फ्यूज हमेशा नहीं कनेक्ट करना चाहिए। इसका कारण यह है कि अगर मान लीजिए न्यूट्रल वायर में अगर आपने फ्यूज कनेक्ट कर दिया तो लाइव वायर तो हमेशा किससे कनेक्टेड रहेगा? लाइव वायर हमेशा डिवाइसेस से कनेक्ट रहेगा, सेफ्टी से। तो उसके कारण हमेशा जो हो सकता है लीकेज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता रहे, लाइव वायर में करंट हमेशा प्रेजेंट रहेगा तो लीकेज करंट भी फ्लो हो सकता है, तो अप्लायंसेस को नुकसान हो सकता है उस कंडीशन में। इसलिए फ्यूज हमेशा लगाओ तो किस में लगाओ? लाइव वायर में, ताकि लाइव वायर ही क्या हो जाए, ओपन हो जाए, लाइव वायर दैट मीन्स फेज वायर ओपन हो जाए। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो है हमारे पास बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मोटर सर्किट में और फ्यूज में बहुत बड़ा दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता। हमारे पास फ्यूज का एप्लीकेशन का आंसर कभी तो शॉर्ट सर्किट होता है, कभी ओवरलोड होता है, कभी हमारे पास जो है ठीक है, कभी हमारे पास क्या होता है, दोनों होता है, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। तो इससे रिलेटेड हम कुछ बात कर लेते हैं, फ्यूज से रिलेटेड। देखिएगा जरा प्लीज, फ्यूज में अगर आपको इन जनरल पूछा जाए कि फ्यूज का यूज कहाँ करते हैं, कौन से प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, तो इन जनरल अगर आपको पूछा जाए तो ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, अब एचआरसी फ्यूज है वो दोनों प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा जो है एचआरसी फ्यूज यूज किया जाता है और दोनों प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा ही क्वेश्चन आए कि बेस्ट प्रोटेक्शन किसमें प्रोवाइड करेगा, बेस्ट प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि एचआरसी फ्यूज जो है वो बेस्ट प्रोटेक्शन हमें केवल और केवल एचआरसी फ्यूज में कि बेस्ट प्रोटेक्शन जो है वो हमें क्या किसमें प्रोवाइड करेगा, शॉर्ट सर्किट में प्रोवाइड करेगा। देखो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में डिफरेंस क्या है? ओवरलोड का मतलब मान लीजिए कोई मोटर है ना, मोटर की करंट रेटिंग है 10 एम्पियर, ठीक है ना, 10 एम्पियर है, और 10 एम्पियर से अगर मैं थोड़ा सा भी आगे जाता हूं, मान लीजिए 11 एम्पियर, 12 एम्पियर, 13 एम्पियर, ये सारा किसमें आएगा? ओवरलोड कंडीशन में आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि 11, 12, 13 एम्पियर पे जो है हमारे पास जो है यहाँ पर फ्यूज जो है वो ऑपरेट हो जाए। फ्यूज ऑपरेट होने का मतलब ये कि फ्यूज वायर जो है वो गल जाए, मेल्टिंग हो जाए उसकी, जरूरी नहीं है। मान लीजिए मैं फ्यूजिंग करंट कितना लेता हूँ, 14 एम्पियर लेता हूँ। फ्यूजिंग करंट का मतलब ये होता है कि इट इज द लेवल ऑफ मिनिमम करंट एट विच फ्यूज ऑपरेट, मिनिमम वह करंट होती है जहां पे फ्यूज ऑपरेट होता है। तो हमारे पास जो है फ्यूज कहाँ ऑपरेट होगा, सीधा 10 से 14 एम्पीयर पे, बीच में तो ओवरलोड है लेकिन फ्यूज ऑपरेट ही नहीं हो रहा है क्योंकि मेल्ट ही नहीं हो रहा है, क्लियर। तो हमारे पास ओवरलोड में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन ओवरलोड में करंट का लेवल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्लियर। लेकिन इसमें अगर आपको ऐसा ही पूछा जाए बेस्ट प्रोटेक्शन किसमें देगा, बेस्ट प्रोटेक्शन हमेशा शॉर्ट सर्किट में देगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में करंट लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा करंट फ्लो होती है, 5 to 10 times करंट फ्लो होती है। तो कोई भी मोटर है या फिर कुछ भी है वहां पे हमारे पास जो है अगर डायरेक्ट आप 5 से 10 गुना करंट देखोगे तो कितनी होगी, 50 एम्पियर, 60 एम्पियर, 100 एम्पियर, इतनी करंट फ्लो होगी। तो इजिली वहां पे क्या होगा, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है। अब मोटर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे जो आंसर है वो हमारे पास कौन सा है, शॉर्ट सर्किट है। लेकिन इसका जो रीजन है वो हमारे पास कुछ अलग है। मोटर में जो है हमारे पास रीजन है वो शॉर्ट सर्किट है, और आंसर जो है प्रोटेक्शन का शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ रीजन के साथ बताता हूँ, संदीप जी पूरा ढंग से बताते हैं, पूरा डिटेल से बताते हैं ना। देखो दो पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिए कि हमारे पास यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर इन जनरल कभी भी पूछा जाए ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट दोनों सेलेक्ट करना, लेकिन बेस्ट प्रोटेक्शन पूछा जाए तो शॉर्ट सर्किट सेलेक्ट करना, क्लियर है ना। अब मोटर में जो है हमारे पास शॉर्ट सर्किट है, ऐसा क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा शॉर्ट सर्किट में ऐसा है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यूज करिएगा, जैसे मोटर है उसमें आपने स्टार्टर नहीं यूज किया, इंडक्शन मोटर है, एग्जाम्पल के लिए हम इंडक्शन मोटर ले लेते हैं। इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, हम स्टार्टर यूज करते हैं, कई सारे स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ठीक है,
ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ड्यूल स्टार्टर, सभी स्टार्टर हम यूज करते हैं। स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, है ना, स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, ताकि हम स्टार्टिंग करंट को क्या है, लिमिट कर सके। और स्टार्टिंग करंट कितनी फ्लो होती है स्टार्ट में, लगभग 5 से 10 गुना, या लगभग जो होती है फुल लोड करंट का 5 गुना होती है इंडक्शन मोटर में, फुल लोड करंट का कितना, 5 गुना। तो अगर मैंने स्टार्ट मोटर को स्टार्ट किया, ठीक है, मोटर को आपने क्या किया, स्टार्ट किया, और मोटर के स्टार्ट होते ही स्टार्टिंग में 1-2 सेकंड में करंट कितनी आ गई, 5 गुना फुल लोड करंट आ गई, ठीक है, 5 गुना आ गई फुल लोड करंट की। तो वहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स मोटर की, इस फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होनी चाहिए जो नॉर्मल ओवरलोड में ऑपरेट नहीं हो सके, ठीक है। और इसमें साथ में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी भी मोटर की करंट है 10 एम्पियर, और कितनी करंट आ गई, 50 एम्पियर आ गई। ये 50 एम्पियर कितनी देर के लिए आएगी, 1 या 2 सेकंड के लिए आएगी, ठीक है, 1 या 2 सेकंड के लिए आएगी। तो हम क्या करते हैं रियलिटी में, फ्यूज को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि एक तो वो ओवरलोड कंडीशन पे ऑपरेट नहीं करें, साथ ही साथ उसमें डिले रहे, क्या रहे, डिले रहे, डिले मान लीजिए 3 सेकंड का प्रोवाइड कर दिया, तो उस टाइम क्या होगा, स्टार्टिंग में ये कंडीशन तो चली जाएगी, उसके बाद इसको कितना डिले प्रोवाइड किया, 3 सेकंड का, तो मतलब 3 सेकंड तक तो ये ऑपरेट नहीं होगा, उसके पहले ये कंडीशन चली गई, मतलब फ्यूज ऑपरेट होगा ही नहीं। तो रियलिटी में क्या करते हैं, फ्यूज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, है ना, इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे पास करंट और वोल्टेज के रेस्पेक्ट, करंट और टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे गैप मेंटेन करते हैं, क्या गैप मेंटेन करते हैं, ये गैप मेंटेन किया जाता है, ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है थोड़ा सा इसके नजदीक नहीं रखा जाता है, जितना नजदीक रखोगे उतना क्या होगा, करंट कम टाइम में जो है ये ऑपरेट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, 2 चीजें करनी है, एक तो क्या करना है, डिले प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ हमें क्या करना है, करंट का लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई रखना है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कोई भी मोटर हो उसमें शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ही ये ऑपरेट कर सके, किसमें, केवल शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि अब हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हालांकि आजकल जो मोटर्स हैं उन सब में स्टार्टर यूज किए जाते हैं, तो स्टार्टर में खुद में कैपेसिटी होती है, कि इसका एक रीजन और भी है, क्योंकि स्टार्टर यूज किए जाते हैं तो स्टार्टर में खुद में कैपेसिटी होती है कि वह जो है ओवर लोड को पहचान सके, किसको पहचान सके, ओवर लोड को, और ओवर लोड की इसमें कैपेसिटी होती है पहचानने की। तो स्टार्टर क्या करता है, ओवर लोड कंडीशन को मेंटेन कर लेता है, और ये सारी कैपेसिटी स्टार्टर में मिलती है। तो ओवर लोड की तो जिम्मेदारी किसको दे दी गई, स्टार्टर को। तो हमारे पास फ्यूज जो है इस तरह से डिजाइन किया जाता है मेनली कि हमारे पास केवल शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। देखो अगर आपको और ज्यादा डिटेल से पढ़ना है, हालांकि मैंने पूरा समझा दिया, लेकिन पूरा डिटेल से अगर आपको ध्यान है तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास कैसा कैसा रहता है इसमें, ठीक है, है ना, किस तरह से हम पूरा शॉर्ट सर्किट और अगर ओवरलोड प्रोटेक्शन अगर मोटर में दोनों में यूज करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मोटर है तो मोटर में अगर आप दोनों प्रोटेक्शन अप्लाई करना चाहते हो, ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, तो एक स्पेशल केस यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं MCCB। MCCB का मतलब होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, हाँ, शॉर्ट सर्किट, HRC में भी शॉर्ट सर्किट के बेस्ट प्रोटेक्शन है, क्लियर। तो MCCB का यूज जो है वो हम कहाँ करते हैं, ऐसी मोटर्स जो लो वोल्टेज की होती है लेकिन हाई रेटिंग की होती है, वहां पे MCCB का यूज करके इन दोनों के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इन जनरल रियलिटी में जो है आजकल के केस में फ्यूज यूज ही नहीं किया जाता है यहाँ पे मोटर्स के अकॉर्ड, वहां पे क्या यूज किया जाता है, MCCB यूज किया जाता है, और फ्यूज जो है पुराने टाइम में यूज करते थे तो वो केवल और केवल हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो ये देखो जरा प्लीज, आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए मोटर की स्टार्टिंग में करंट क्या होती है, ज्यादा होती है, स्टार्टिंग में जो है करंट क्या होती है, ज्यादा होती है, फिर जो है टाइम के साथ ये करंट जो है वो घटती जाती है। स्टार्टिंग में करंट ज्यादा होती है, हाई करंट होती है, और फिर जैसे जैसे रनिंग स्पीड बढ़ती जाती है करंट का लेवल क्या हो जाता है, लो होता जाता है। तो हमें क्या करना है, इस फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स को इससे अबव रखना है, ठीक है, इस फ्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स को इस तरह से अबव रखना है ताकि इस रीजन में जो है ये ऑपरेट नहीं हो सके, हमें कुछ गैप मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इस तरह से डिजाइन की कि वो थोड़ा सा अबव रहे, तो वो ओवरलोड को तो सेंस ही नहीं कर पाएगा, वो तो किसको सेंस करेगा, केवल शॉर्ट सर्किट को, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग
फ्यूज इज वेरी फास्ट इन ऑपरेशन, इसमें से सबसे फास्ट फ्यूज कौन सा है? सेमीकंडक्टर फ्यूज, किटकैट फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज और हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज फास्ट है लेकिन इससे भी कुछ फास्ट हो सकता है, प्लीज बताइएगा। HRC fuse is the fast, but it is the fastest. Semiconductor fuse is the fastest. So B is the correct answer. B answer correct होगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक। और KitKat fuse और cartridge fuse में difference क्या होता है, ये point भी आप समझ सकते हो। KitKat fuse जो होता है वो low voltage fuse होता है और cartridge fuse जो होता है high voltage fuse होता है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये फ्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए हैं। आगे देखिए बुकोल्स रिले से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद द बुकोल्स रिले इज नॉट ट्रू। बुकोल्स रिले से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? इट इज ए गैस एक्चुएटेड डिवाइस, इट इज ए करंट ऑपरेटिंग डिवाइस, इट इज प्लेस्ड बिटवीन ट्रांसफॉर्मर मैन टैंक एंड द कंजर्वेटर, और ये माइनर फॉल्ट के लिए अलार्म सर्किट को सिग्नल देता है और मेजर फॉल्ट के लिए ट्रिप सर्किट को सिग्नल देता है। विच ऑप्शन इज द करेक्ट, प्लीज बताइएगा। यहां पे हमें नॉट ट्रू देखना है ना, ध्यान रखिएगा नॉट ट्रू। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये तो गैस एक्चुएटेड डिवाइस है या गैस एक्चुएटेड रिले है। एग्जाम तो पता नहीं जून जुलाई तक हो ही जाएगा, ठीक है। और इट इज प्लेस्ड बिटवीन ट्रांसफार्मर टैंक एंड द कंजर्वेटर, ये भी सही बात है। माइनर फॉल्ट के लिए अलार्म सिग्नल देता है और मेजर फॉल्ट के लिए ट्रिप सर्किट को एक्टिव करता है, क्लियर। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। आगे देखो जरा प्लीज नेक्स्ट। इसमें एक बात आपको स्पेशली बतानी है मुझे, जो जनरली कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास मैन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में ये जो प्रोवाइड किया जाता है ना, ये हमारे पास जो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल होता है मैन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में, ये जो एंगल है ये 10 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में ही रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 10 से 11 डिग्री के बीच में ही रखा जाता है। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा, 10 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में रखने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है ऑयल का फ्लो जो है थोड़ा सा इजी हो सके। अगर आप एंगल बढ़ा दोगे तो ऑयल का फ्लो जो है वो थोड़ा सा हमारे पास इजी नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे जो है कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें 10 से 11 डिग्री का एंगल रखना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, बुकोल्स रिले जो है वो कहाँ यूज की जाती है? 500 kVA से ऊपर वाली रेटिंग वाले जितने भी ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होते हैं, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर जो है बुकोल्स रिले जो है 500 केवीए से ज्यादा के लिए आपके क्यों यूज की जाती है? क्योंकि इसमें इकोनॉमिकल कंसिडरेशन होता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है। देखो मैं गारंटी कैसे ले सकता हूँ जून में ही होगा, है ना, सरकार खुद ही कंफ्यूज हो रही है। आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू कोविड सिचुएशन ये जून जुलाई में हो सकता है, ठीक है। मैं आपको केवल अजम्पशन बता सकता हूँ, ठीक है, और आप खुद स्वविवेक से सोच सकते हो कि इसमें कोविड की सिचुएशन रहेगी नहीं रहेगी, किस तरह से रहेगा। आप मुझे बताइएगा कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें करंट रेटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है? सर्किट ब्रेकर, रिले, आइसोलेटर, लोड ब्रेक स्विच। KVA से विवेक जी नीचे है ना, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करते हैं। कल मर्ज प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है ना, वो यूज करते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा 500 KVA से ज्यादा के लिए हम इंटरनल फॉल्ट के लिए गैस एक्चुएटेड रिले, दैट मींस बुकोल्स रिले यूज करते हैं। देखो सर्किट ब्रेकर में हमें करंट की जरूरत पड़ती है, रिले में भी करंट की जरूरत पड़ती है, लोड ब्रेक मतलब लोड करंट को सेंस करने वाला हमारे पास ब्रेक स्विच। तो आइसोलेटर एक ऐसा स्विच है जो हमारे पास ऑफ लोड
कंडीशन में ऑपरेट होता है। ऑफ लोड में तो ओपन सर्किट हो गया, तो वहां पे तो करंट हमारे पास कितना होगा, जीरो होगा, उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइसोलेटर मैनुअल ऑपरेटेड स्विच होता है जो जिसको सर्किट ब्रेकर के बाद ऑपरेट कराते हैं। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये हमने देखा था इस सर्किट ब्रेकर में, सर्किट ब्रेकर में आर्किंग कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो जनरली किससे बने हुए होते हैं, कॉपर टंगस्टन एलॉय से, पोर्सलिन से, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर से या एल्यूमिनियम अलॉय से। सर्किट ब्रेकर में आर्किंग कॉन्टैक्ट्स जो है वो किससे बने हुए होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें हमने बताया था, एयर सर्किट ब्रेकर पढ़ा रही थी तब बताया था कि स्टार्टिंग में कॉपर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कॉपर कॉन्टैक्ट से ऊपर की तरफ क्या होते हैं हमारे पास, कार्बन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कार्बन कॉन्टैक्ट्स की तरफ हम ले जाते हैं, तो कॉपर टंगस्टन एलॉय जो है वो राइट आंसर है हमारे पास, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए जरा प्लीज। इस तरह का ये डायग्राम है जिसमें हमारे पास मेन कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो कॉपर टंगस्टन एलॉय के होते हैं, और आर्किंग ये जो दूसरे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं अगर आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हो तो वो कार्बन के कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, है ना, कार्बन के कॉन्टैक्ट्स अगर आपको एयर सर्किट ब्रेकर यूज कर रहे हो तो हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ए सर्किट ब्रेकर मस्ट बी इक्विप्ड फॉर रिमोट ऑपरेशन। रिमोट ऑपरेशन के लिए सर्किट ब्रेकर में कौन सा रिलेशन होना चाहिए, इनवर्स टाइम ट्रिप, टाइम डिले ट्रिप, शंट ट्रिप, ये कौन सा होना चाहिए ये बताइएगा प्लीज, इसके बारे में बताइए। आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं तो एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, हाँ, ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आएगा, अभी आएगा थोड़ी देर में, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, आगे आएगा मयंक जी। देखो इसमें जो यूज करते हैं वो संट ट्रिप यूज करते हैं। कौन सा संट ट्रिप? संट ट्रिप। रियलिटी में रिमोट लोकेशन पे या रिमोट ऑपरेशन पे संट ट्रिप का मतलब क्या होता है, रियलिटी में जो हमारे पास सर्किट ब्रेकर के साथ जो कॉइल लगी होती है उसी को हम ट्रिप कॉइल बोलते हैं। ये कैसे वर्क करती है, जैसे देखिएगा, जैसे अज्यूम करिएगा, संट ट्रिप कॉइल का मतलब क्या है, इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर नॉर्मल कंडीशन होगी, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे जो है करंट जो होगी वो नॉर्मल फ्लो होगी, और थर्मोस्टेट स्विच होता है यहाँ पे जो यहाँ पे हीटेड नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब फॉल्ट कंडीशन आएगी, कौन सी कंडीशन आएगी, फॉल्ट कंडीशन आएगी, तब हमारे पास करंट का लेवल बढ़ जाएगा और ये जो हीटेड होगी इस सर्किट को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। जैसे ही क्लोज करेगा तो हमारे पास यहाँ पर करंट फ्लो होना लग जाएगी, और ये जो कॉइल है इसी ट्रिप कॉइल को ही संट ट्रिप कॉइल बोला जाता है। किस क्या बोला जाता है, संट ट्रिप कॉइल। ठीक है, गुड इवनिंग रणवीर जी, संट ट्रिप कॉइल बोला जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगी इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, इन कॉन्टैक्ट्स को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ठीक है, या फिर ऐसा बोलो कि ये जो है, ये जो कॉन्टैक्ट्स है इनको क्लोज कर देगा, रिले सर्किट क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोज हो जाएगा। क्लियर, रिले सर्किट हमारे पास क्लोज हो जाएगा और सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दे देगा। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास ये जो कॉइल यूज की जा रही है, सन ट्रिप कॉइल यूज की जा रही है, और इसका जो है हमारे पास रिमोट लोकेशन पे बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। ओवरलोड रिले जो है वो कौन सी टाइप की होती है, कौन कौन सी टाइप की ओवरलोड रिले हमारे पास रहती है, सॉलिड स्टेट टाइप, थर्मल टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप, विच ऑफ टाइप्स ओवरलोड रिले या ऑल ऑफ द अबव। ओवरलोड रिले हमारे पास किस टाइप की रहती है, देखो ओवरलोड के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे बड़ा बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए ओवरलोड के मैंने ज्यादा क्वेश्चन लिए ताकि आपको एकदम से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ओवरलोड से रिलेटेड उन सबका सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओवरलोड रिले जो है तीन टाइप की होती है, सॉलिड स्टेट रिले, सॉलिड स्टेट रिले वह रिले होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्विच का यूज किया जाता है, किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज किया जाता है, वो सॉलिड स्टेट रिले होती है। थर्मल रिले वह रिले होगी जैसे बाई मेटेलिक स्ट्रिप यूज कर लो,
ठीक है, या फिर अभी हमने जो एग्जांपल देखा था तो वो हमारे पास कौन सी रिले हो जाएगी, थर्मल रिले। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो हम क्लास में आईडीएमटी रिले के बारे में बता चुके हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हो जाएगी। तो तीन टाइप की हमारे पास यहाँ पर ओवरलोड रिले होती है, क्लियर, ठीक है। तो ऑल ऑफ द, हाँ चीटिंग कर ली, क्या करें यार, बहुत कम टाइम था मेरे पास इसको डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पे मेनली जो है हमारे पास तीन टाइप की रिले होती है। सबसे पहले हमारे पास थर्मल ओवरलोड रिले, दैट इज मेल्टिंग टाइप, बाईमेटेलिक टाइप, मैग्नेटिक ओवरलोड रिले, और तीसरी है हमारे पास सॉलिड स्टेट ओवरलोड रिले। ये तीन टाइप की हमारे पास ओवरलोड रिले रहेगी, ठीक है। डिटेल से जानना चाहते हो तो आराम से इसके बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मल ओवरलोड रिले, अभी हमारे पास कौन से रिले है, थर्मल ओवरलोड रिले, वो जो है मोटर को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। जैसे अभी हम फ्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्मल ओवरलोड रिले की। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद द फ्यूज थ्योरी। फ्यूज की जो थ्योरी थी वो केवल हमारे पास शॉर्ट सर्किट मोटर के लिए अप्लाई होती है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में मोटर के लिए अप्लाई होती है। लेकिन थर्मल ओवरलोड रिले कब हमारे पास जो है मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करेगी, ओवरलोड का मतलब हैवी लोड। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर होगा केवल और केवल बी, नॉट फोर, करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। ग्राउंड फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट के लिए इन थर्मल ओवरलोड रिले को नहीं ऑपरेट कराते, हमारे पास किसके लिए ऑपरेट कराते हैं, और हैवी लोड कंडीशन के लिए, ठीक है, हैवी लोड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर हैज विच टाइप ऑफ ट्रिप एक्शन। मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर में अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लीजिएगा, मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर जो है बहुत ही फास्ट तरीके से ऑपरेट होता है, और इसका जो रेस्पॉन्स होता है वो फास्टर होता है, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्शन होता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्शन के लिए जहां पर भी आपको यूज करना हो वो हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्मल प्रोटेक्शन स्विच, थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, थर्मल प्रोटेक्शन स्विच, ये रिले नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये थर्मल ओवरलोड रिले नहीं है। पावर सिस्टम में यहां पे कंफ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करो, ये जो क्वेश्चंस है इनका शॉर्ट नोट्स बना के रख लेना, एक पेज पे अलग अलग बात बोली गई है, एक बार थर्मल आवर लोड रिले का था, अब हमें पूछा है थर्मल प्रोटेक्शन स्विच का, तो ये थर्मल आवर लोड रिले नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अलग है हमारे पास, ठीक है। एक बार हमें पूछा फ्यूज का, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हमारे पास रहेगा, शॉर्ट सर्किट, टेम्परेचर, आवर लोड, आवर वोल्टेज, इन चारों में से हमारे पास क्या करेक्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ये सारे जो है यहाँ पर थर्मल आवर लोड आता है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा बहुत ही ढंग से, पावर सिस्टम स्विचगियर एंड प्रोटेक्शन के जो क्वेश्चंस है ना, बहुत सही बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, ये जो है थर्मल प्रोटेक्शन स्विच केवल किस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, टेम्परेचर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही बात, जिन्होंने विवेक जी ने सही आंसर दिया है, टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर, थर्मल प्रोटेक्शन मतलब टेम्परेचर प्रोटेक्शन। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी रखना है और थोड़ा सा बेसिक नोट्स बना के रखिएगा, ये स्टार्टिंग में क्वेश्चंस जो मैंने इंक्लूड किए हैं स्टार्टिंग में 20-25 जो क्वेश्चन है वो थोड़े से कन्फ्यूजन वाले इसलिए रखे गए, एक साथ रखा है ताकि आपको इनके बीच में डिफरेंशिएट करना आ सके, और ये 100% जो है मेन एग्जाम में गलती करके आते हो, ठीक है। ऐसा RSM SSB में भी एक ओवरलोड का क्वेश्चन आया था, फ्यूज वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, वहां पे जो है बेस्ट प्रोटेक्शन का था, कैसा था, वहां पे शॉर्ट सर्किट आंसर था शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आगे देखिएगा जरा प्लीज, यहाँ पे थर्मल के लिए टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन रहने दीजिए, ये भी देखते हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ अभी मिल जाएगी, जैसे मैं क्लास एंड करूं तब मुझे बता देना, मैंने उसको एडिट कर दिया है, पूरा बना दिया है, और तुरंत उसी टाइम 10 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है।
पीडीएफ बना के रखी हुई है मेरे पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इज द लीएस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर आवर करंट इज ए लो वोल्टेज सिस्टम। सबसे लीएस्ट एक्सपेंसिव सिस्टम जो है आवर करंट प्रोटेक्शन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, रीवायरेबल फ्यूज, आइसोलेटर, ऑयल सर्किट ब्रेकर या एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर? विच इज द करेक्ट आंसर? रीवायरेबल फ्यूज जो है सबसे सस्ता होता है ना, सबसे सस्ता होता है, चीपेस्ट जो हमारे पास फ्यूज होता है रीवायरेबल फ्यूज होता है। मर्जी आई फ्यूज का वायर खोला और वापस लगा दिया बस, ठीक है। ये केवल क्वेश्चन आपको समझाने के लिए आंसर मत दीजिएगा इसको, ये कुछ रटने वाले क्वेश्चन भी रहते हैं, जैसे रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग है उनका कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग का यूज जो है वो जनरली हम कहाँ करते हैं, रेजिस्टेंस का यूज करते हैं जनरेटर प्रोटेक्शन में, ठीक है, जनरेटर प्रोटेक्शन में यूज करते हैं। और जनरेटर कहाँ तक ऑपरेट करता है, 11 kV से 33 kV का वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है। तो हमारे पास 33 kV तक के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग यूज करते हैं। रिएक्टेंस ग्राउंडिंग कहाँ यूज करते थे आप बताओ? रिएक्टेंस ग्राउंडिंग हम यूज करते थे मोटर में, वेयर फॉर द मोटर प्रोटेक्शन, वहां पे हम क्या करते थे, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग यूज करते थे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास कई टाइप की ग्राउंडिंग हुई थी, आर्क फॉल्ट से आर्किंग ग्राउंड के लिए हमने कौन सी कॉइल यूज की थी, पीटरसन कॉइल यूज की थी, क्लियर है ना। वोल्टेज ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग ये भी यूज कर सकते हो, अर्थ ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हो, सॉलिड ग्राउंडिंग है। सॉलिड ग्राउंडिंग का मतलब कोई बताएगा, सॉलिड ग्राउंडिंग का मतलब क्या है कमेंट करके बताइए। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, ये हमारे पास टाइप रहेगी, ठीक है, ग्राउंडिंग की मेन टाइप रहती है। पीटरसन कॉइल का यूज कहाँ करते थे कोई कमेंट करके बताइए। जैसे जब भी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आता था, जितने भी लाइन टू ग्राउंडेड फॉल्ट आते हैं वहां पे क्या होता है, आर्किंग ग्राउंड का प्रॉब्लम होता है, उसके कारण जो है हमारे पास सडनली करंट बढ़ जाता है। तो वहां पे जो प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सी कॉइल यूज करते थे, पीटरसन कॉइल यूज करते थे। जहां पे हमारे पास सॉलिड फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होता है जहां पे फॉल्ट इंपेडेंस कितना हो, जीरो, क्लियर। आगे देखो जरा प्लीज, नेक्स्ट। इन ए बस बार प्रोटेक्शन व्हाट इज द मेथड ऑफ providing an earth metal barrier surrounding a bus throughout its length called? Bus bar protection में कौन सा हमारे पास protection use किया जाता है जिसमें earth metal barrier provide किया जाता है किसी भी bus के around? जैसे कोई भी bus system है तो earth metal barrier जो है यहाँ पे provide किया जाता है। Yes सतीश जी, very good। अगर डायरेक्टली किसी भी इम्पीडेंस के बगैर आप डायरेक्टली कनेक्ट करोगे तो उसको सॉलिड फॉल्ट बोलते हैं, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। बस बार प्रोटेक्शन, देखो टाइम ग्रेडेड और आवर करंट प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, ये किस में यूज किए जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में यूज किए जाते हैं। तो ये बात तो हमारे पास गड़बड़ हो गई। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम कहाँ यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर में, अल्टरनेटर में, यहाँ पे यूज करते हैं। अब बचा हमारे पास केवल एक ही, देखो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करना सीखो। ये जो है डिस्टेंस प्रोटेक्शन जो है, ये टाइम ग्रेडेड है, आवर करंट प्रोटेक्शन है, ये तीनों प्रोटेक्शन जो है ट्रांसमिशन लाइन पे यूज किए जाते हैं। आगे एक क्वेश्चन आएगा, ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए हमें कौन से प्रोटेक्शन यूज करने पड़ते हैं। टाइम ग्रेडेड होता है एक तो हमारे पास, एक आवर करंट प्रोटेक्शन होता है और तीसरा डिस्टेंस प्रोटेक्शन होता है। फॉल्ट बस्ट प्रोटेक्शन सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है कौन सा प्रोटेक्शन अप्लाई करोगे, दैट इज द फॉल्ट बस्ट प्रोटेक्शन, सिंपल सी बात। तो आपको इन सभी के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। देखो प्रोटेक्शन में नाम ऐसे ऐसे आते हैं हमें पता ही नहीं चल पाता, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आज के जो एमसीक्यू है इनके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। पावर सिस्टम में सबसे अगर टाइम देने वाला टॉपिक है, दैट इज द प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है और इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे आपके, बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो जरा प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये केवल क्वेश्चन आपको समझाने के लिए, आप आंसर मत दीजिएगा, केवल बताइएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है बस कपलर, जो है बस कपलर मतलब दो बसेस को कपल करना। जैसे क्या होता है रियलिटी में, कई बार जो है दो बसेस होती है, एक बस तो होती है मेन बस जहाँ पे बहुत सारे जनरेटर जो है वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे जनरेटर कनेक्टेड रहते हैं।
फिर हमारे पास जो है एक होती है ट्रांसफर बस होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं अपने जो यहाँ पे ट्रांसफर बस और इसके बीच में क्या कनेक्टेड होता है, आइसोलेटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पे आइसोलेटर कनेक्टेड होता है, ट्रांसफर बस के थ्रू हम आगे क्या कनेक्ट करते हैं, फीडर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, तो हमारे पास बस कपलर का यूज जो है वो कहाँ किया जाता है, बस कपलर, आइसोलेटर, इन सब का यूज जो है इन दोनों बसेस के बीच में किया जाएगा। अब ये चीजें तभी आती है जब हमारे पास प्रोटेक्शन को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ा जाता है, लेकिन आपको डेप्थ में आप चिंता मत करो, करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इधर उधर के फालतू के जो जिसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट होगा, मैन एंड ट्रांसफर बस। क्लियर, तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जो हमारे पास क्या है कनेक्ट करने को काम आता है, मैन बस और ट्रांसफर बस के बीच में। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से 20-25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें कुछ ना कुछ डेटा याद करना है या फिर अजीब टाइप के क्वेश्चन है। आउटडोर सब स्टेशन के लिए कोस्ट एंड सेफ्टी के लिए हमारे पास जो है इसका इंस्टॉल जो है वोल्टेज एबो किसके एबो जो है आउटडोर स्टेशन का, आपने जो जीएसएस देखे है ना, सब स्टेशन देखे हैं, कितने केवी तक के जीएसएस देखे हैं आपने? कभी 11 केवी का जीएसएस देखा है क्या, या 33 केवी का जीएसएस देखा है, 60 केवी का, 110 केवी का, कौन से जीएसएस देखे हैं? तो यहाँ पे ऐसा पूछा जा रहा है कि हमारे पास किस वोल्टेज लेवल से ज्यादा वाले आपके पास जीएसएस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है 33 केवी से ज्यादा के जो छोटे छोटे गांव होते हैं है ना, वहां पे 33 केवी के छोटे छोटे जीएसएस बने हुए होते हैं, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? आई थिंक 33 केवी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आउटडोर सब स्टेशन में जो हमारे पास 33 केवी का लेवल रखा जाता है। ठीक है, 33 केवी से ज्यादा वाले जितने भी होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास आउटडोर सब स्टेशन में कैलकुलेट होंगे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो है ऑब्वियसली बात है आंसर गलत होने के चांसेस स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब आप अपने क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट, मुझे जो समझाना था वो मैं समझा चुका, अब बीच में एक दो क्वेश्चन आएंगे जहां समझाने लायक होंगे तो वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब बताइएगा मोर रिले जो है उसका यूज इंडोर का मतलब है, इंडोर सब स्टेशन का मतलब ये पावर ट्रांसफर होता है ना, तो वहां पे जैसे जनरेटिंग स्टेशन है उसके अंदर भी सब स्टेशन होते हैं ना हमारे पास, उनको आप इंडोर सब स्टेशन बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन जो आउटडोर है, आउटडोर का मतलब ये है कि हमारे पास जो सप्लाई जब ट्रांसफर की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितने भी होंगे वो हमारे पास आउटडोर सब स्टेशन होंगे। ठीक है, एक मोर रिले है उसका आप कहाँ यूज करोगे ये बताओ फटाफट, यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। अब फटाफट आंसर देने हैं, अब रुकना नहीं है, अपना जोश दिखाइए जल्दी से। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम किसका यूज करेंगे, मोर रिले का यूज करेंगे, फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव सीक्वेंस रिले जो भी आपको समझाए हुए हैं अब उनके क्वेश्चंस आंसर देने हैं आपको, जितने इतने 3 दिन से जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उनके क्वेश्चंस बनेंगे अब फटाफट। नेगेटिव सीक्वेंस करंट जो है वो कौन सी जगह हमारे पास एपियर होती है और उसको रोकने के लिए हम कौन सी रिले यूज करते हैं, कमेंट करके बताइएगा प्लीज। जनरेटर, मोटर, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफॉर्मर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन फॉर नेगेटिव सीक्वेंस करंट इज प्रोवाइडेड। अल्टरनेटर में नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो होती थी, कब फ्लो होती थी, अनबैलेंस कंडीशन में। ठीक है, अनबैलेंस कंडीशन में नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो होती थी, उसके लिए हमने कौन सी रिले लगाया था, नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले लगाई थी। नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले, नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर, इसका यूज करके हम यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिले जो है इम्पीडेंस मेजर करती है या किसी भी कंपोनेंट का इम्पीडेंस मेजर करती है एट द रिले लोकेशन इज नॉन एज, उसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन रिले, मूविंग कॉइल रिले, IDMT रिले या डिस्टेंस रिले, प्लीज आंसर बताइएगा।
Distance relay, very good. Distance relay is governed by the ratio of V and I. Very good. इसका मतलब थ्योरी आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, ठीक है. गवर्न बाय द रेशियो ऑफ वी एंड आई. अब डिस्टेंस रिले खुद कितने टाइप की होगी? तीन टाइप की होगी. ऐसे तो क्वाड्रिलेटरल भी होती है हमारे पास, ठीक है. मेनली तीन टाइप की होती है, ठीक है. आगे देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास. डिस्टेंस रिलेज आर जनरली, कौन कौन सी हमारे पास डिस्टेंस रिले होती है? मो रिले, रिएक्टेंस रिले, इंपीडेंस रिले, ऑल ऑफ द अबव. फटाफट आंसर दीजिएगा. ऑल ऑफ द अबव. तीन टाइप की, मेनली तीन टाइप की होती है. एडमिटेंस रिले, मो रिले, रिएक्टेंस रिले और इंपीडेंस रिले. तीन टाइप की होती है हमारे पास. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. और अगर आपको और ज्यादा डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो मैं आपको बताऊं, रियलिटी में ये छह टाइप की होती है, ठीक है. मेनली हम जो बुक्स में पढ़ते हैं वो तीन टाइप की होती है और उतना ही हमें ध्यान रखना है. लेकिन जिसको अगर ज्यादा नॉलेज चाहिए तो वो हमारे पास ध्यान रखिएगा. इन तीन के अलावा तीन रिले और होती है जिनको हम एंगल इंपीडेंस रिले भी बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल रिले, ठीक है. और ये क्वाड्रिलेटरल रिले ये डायरेक्शनल रिले होती है. इसके बारे में मैंने आपको कंपैरिजन में थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है. और इलिप्टिकल एंड अदर कॉनिक सेक्शन रिलेज, ठीक है. ये मेनली हमारे पास छह टाइप की होगी, ठीक. आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन केवल डेटाबेस है तो आपको याद करना है. इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिंग्स ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिकमेंड किया जाता है. अभी मैंने आपको बताया था हमारे पास ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिकमेंड किया जाता है. जरूरी नहीं कि इसको यहीं पे यूज किया जाए, ठीक है. आप ध्यान दीजिएगा, तो इक्वल टू और अबव 5 MVA, 5 MVA से ज्यादा ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है. इक्वल टू और अबव, जरूरी नहीं आप इसको लो ट्रांसफार्मर का रेटिंग है उस पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है. जहां पे ऑयल कूल ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो वहां पे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ही यूज करना पड़ेगा. 500 KVA का तो वो था हमारे पास, क्या 500 KVA का तो क्या था वो हमारे पास था बुकोल्स रिले के लिए, ठीक है. अभी हमें देखना है, जैसे मान लीजिए छोटे ट्रांसफार्मर है जो ऑयल कूल्ड नहीं है, जनरली ऑयल कूल्ड होते हैं लेकिन ऑयल कूल्ड नहीं है तो वहां पे तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज ही करना पड़ेगा, ठीक है. तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आपको रिकमेंडेशन पूछा जाए तो आप किसको रिकमेंड करोगे? इक्वल टू और अबव टू 5 MVA, ठीक. ये डेटाबेस है, ठीक है. तो डेटाबेस क्वेश्चन तो आपको याद करने हैं, इनका कुछ हमारे पास ऐसा होगा नहीं कि इसका कारण क्या है, ठीक है. ये प्रैक्टिकल बेस पे होते हैं. किसको यूज किया जाता है? स्टेटर के परसेंटेज वाइंडिंग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जनरेटर के परसेंटेज वाइंडिंग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जा सकता है? कौन से ट्रांसड्यूसर को यूज किया जा सकता है, ठीक है. थर्मोकपल, पायरोमीटर. पायरोमीटर तो हमारे पास वेरी वेरी हाई, जैसे सन है ना, वहां पे हमारे पास जो है, देखो डेटाबेस तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको नोट्स सेपरेटली बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा इसके, ठीक है. सन के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं. अब हमारे पास दो ऑप्शन है. थर्मोकपल जो है वो जनरली बॉयलर में यूज करते हैं, तो ये बेचारा इतना गर्म तो है नहीं, हम कहाँ यूज करेंगे. अब दो ऑप्शन रह गए, एक तो हमारे पास रह गया रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और एक केवल थर्मोमीटर, ठीक है. एक हमारे पास रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और एक दूसरा है थर्मोमीटर, ठीक है. थर्मोमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. थर्मोमीटर हमारे पास सही आंसर रहेगा, ठीक है. थर्मोमीटर आप कोई सी भी टाइप का हो, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है. तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा. अंडर वोल्टेज रिले है, उसका यूज जो है वो कहाँ किया जाता है? अंडर वोल्टेज रिले का यूज जो है वो कहाँ पर किया जाता है? प्लीज बताइएगा फटाफट, अंडर वोल्टेज रिले का यूज कहाँ पर कर सकते हैं? अंडर वोल्टेज तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, ओवर वोल्टेज तो आप, चलो हमें समझ में आता है,
अवर वोल्टेज में अलग अलग रेटिंग ध्यान देनी पड़ती है। अंडर वोल्टेज रिले का तो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, जनरेटर में भी यूज कर सकते हो, बस बार में भी कर सकते हो, मोटर में भी यूज कर सकते हो, तो सभी जगह हमारे पास अंडर वोल्टेज रिले का यूज किया जा सकता है। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाना और फिर ही आगे क्वेश्चंस करिएगा। ठीक, एक रिले का जो इनवर्स टाइम होता है वो किसके कौन सा ऑप्शन रिलेट करता है फॉल्ट करंट के साथ? फॉल्ट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फॉल्ट करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो इनवर्स टाइम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास फॉल्ट इनवर्स टाइम बोला तो इनवर्स ही होगा, सीधी सी बात है, क्या बात है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल्ट करंट, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉल्ट करंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फॉल्ट करंट। ठीक है, विच इज द करेक्ट आंसर? ठीक, थर्ड हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, ऑब्वियसली बात है इनवर्स टाइम है तो हमारे पास इनवर्स ही कैरेक्टरिस्टिक रहेगी इसके साथ। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विल रिसीव वोल्टेज सर्ज फर्स्ट ट्रेवलिंग ऑन द ट्रांसमिशन लाइन? ट्रांसमिशन लाइन पे सबसे फर्स्ट जो सर्ज आएगी वो किस पे आएगी, मतलब इनडायरेक्टली पूछा है कि आपके पास कौन सा ऐसा इक्विपमेंट होता है जो किसी भी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम में सबसे फर्स्ट लेवल पे लगाया जाता है। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर, रिलेज, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्विच गियर। स्विच गियर का तो पूरा तामझाम ही आ जाएगा। लाइटनिंग अरेस्टर LA जो है वो सबसे फर्स्ट में लगाया जाता है, लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो सबसे फर्स्ट में लगाया जाता है। ठीक है, ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर के बारे में कल बताया था आपको, उसमें आपको ध्यान देना है, आप आंसर मत दीजिएगा, मैं बता देता हूं आपको ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर में क्या प्रॉपर्टी होती है ये पूछा गया है। तो ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर में एक तो क्या करना पड़ता है, इसको डेली चार्ज नहीं करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जहां पे डेली विजिट जो है वो डिफिकल्ट होता है वहां पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अभी आ जाएगा, अभी रुक जाइएगा, आ जाएगा। पहले तो मुझे ये बताओ ये जो सीरीज रिएक्टर होते हैं ये क्यों लगाते हैं और उनमें हमारे पास कौन सी वैल्यू लो हाई होनी चाहिए, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, लो इंपीडेंस, हाई इंपीडेंस। रिएक्टेंस के बारे में नहीं बोला है, कोई भी सीरीज रिएक्टर होगा तो उसमें क्या हमारे पास लो या हाई होना चाहिए, प्लीज बताइएगा। सीरीज रिएक्टर जो है फॉल्ट करंट को लिमिट करने के काम आते हैं, क्योंकि फॉल्ट करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टर होता है। तो इसमें सीरीज रिएक्टर में ध्यान रखना है, रिएक्टेंस तो हाई होता ही है, लेकिन एक कॉमन सेंस रखना है कि ये ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में कनेक्टेड होगा तो इसका जो रिएक्टेंस है वो, उसका जो रजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर रजिस्टेंस लो नहीं हो जाएगा तो हमारे पास आई स्क्वायर आर लॉसेस जो होंगे वो ज्यादा होंगे, ट्रांसमिशन लॉसेज ज्यादा होंगे, तो एफिशियंसी सिस्टम की क्या होगी, पुअर होगी। बहुत बढ़िया बात विनोद जी, इसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और रिएक्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ताकि हम इसको लिमिट कर सके फॉल्ट करंट को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। प्लीज सृष्टि जी ध्यान रखिएगा, अगर आप हाई इम्पिडेंस बोलते हो, फोर्थ ऑफ जिस किसी ने बोला है हाई इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस में तो हमारे पास रजिस्टिव पार्ट भी होता है और रिएक्टिव पार्ट भी होता है, तो रिएक्टेंस तो हाई होता ही है, हाई इंपीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाई होगा। तो हम रेजिस्टेंस तो हाई चाहते ही नहीं है ना, रेजिस्टेंस को तो हम क्या चाहते हैं, लो चाहते हैं, क्लियर, रेजिस्टेंस को हमारे पास लो चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉसेस हम नहीं कराना चाहते, क्लियर। तो इस ऑप्शन को थोड़ा सा सुधार दीजिएगा, फोर्थ इज नॉट करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी रुकिएगा, सेकेंड डॉक्यूमेंट्स लेते हैं।
Which of the following circuit breaker has highest reliability and minimum maintenance? और आपको GSS में सबसे ज्यादा, जब आप जयंत साहब बन जाओगे, GSS में जाओगे ना, तो वहां पे सबसे ज्यादा यही सर्किट ब्रेकर देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा यही सर्किट ब्रेकर। अब ये सर्किट ब्रेकर कौन सा है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 गैस सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और OCB। एक बात ध्यान रखिएगा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में मिनिमम मेंटेनेंस होती है, सही बात है, बट इट इज नॉट हाईली रिलायबल, इट इज नॉट हाईली रिलायबल। मेंटेनेंस सबसे कम होती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में, सही बात है, बट नॉट हाईली रिलायबल। हमें बताना है हाईली रिलायबल एज वेल एज मिनिमम मेंटेनेंस। सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? आई थिंक सेकेंड करेक्ट होना चाहिए, सही बात है। तो SF6 जो है हमारे पास यहाँ पर सर्किट ब्रेकर, SF6 गैस सर्किट ब्रेकर जो है वो सबसे ज्यादा यूज होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको केवल मिनिमम मेंटेनेंस वर्ड आए या फिर रूरल एप्लीकेशन आए तो वहां पे आप किसका यूज करोगे? रूरल एप्लीकेशन आए या स्विचिंग आए, ऐसा लिखा हुआ आए ना, तो वहां पे आप यूज करोगे VCB का, केवल मिनिमम मेंटेनेंस। अगर हाई रिलायबिलिटी के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो विद मिनिमम मेंटेनेंस आपको कौन सा यूज करना चाहिए? SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये देखो कॉमन कॉमन कैसे मिस्टेक होती है, ये कंफ्यूजन वाली चीज है जिसमें जानबूझ के हाँ महंगा होता है, वो बात तो है ही, ठीक है ना। हमारे पास ये जानबूझ के ऐसी टर्मिनोलॉजी ऐड कर देते हैं ताकि गलत होने के चांसेस बढ़े, ठीक बात। अब देखिए जरा प्लीज आगे ध्यान रखना, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज कहाँ करते हैं? रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में। अगर आपके पास RRB का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। बिल्कुल, अगर आप GSS में ट्रेनिंग की हो डिग्री के टाइम, तो सबसे ज्यादा वहां पे SF6 गैस सर्किट ब्रेकर देखने को मिलेंगे। हाँ, कोई अगर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेके आया हो तो बात अलग है, 100 में से 95 लोग तो सर्टिफिकेट ही लेके आते हैं, इवन मैं खुद भी जानता हूँ, हम भी स्टार्टिंग के 2 दिन जाते थे, लास्ट में 2 दिन जाते थे, इस तरह से, ठीक है। आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर इज इंटरप्टेड एट 0 करंट लेवल, मैक्सिमम करंट लेवल, मिनिमम करंट लेवल, मैक्सिमम वोल्टेज लेवल। किसी भी सर्किट ब्रेकर में आर्क जो है वो हम कहाँ इंटरप्ट करते हैं? 0 करंट लेवल पे, ठीक है। फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ आवर प्रीवियस क्लासेस ये हमने बताया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ो जरा प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। हमारे पास 2 थ्योरी थी ना, हमने बोला था, एक तो हमारे पास स्प्लिपियन थ्योरी है, 2 थ्योरी है, देखो जरा प्लीज। एक तो हमारे पास स्प्लिपियन थ्योरी है और एक कैसी थ्योरी थी, तो ध्यान रखना स्प्लिपियन थ्योरी जो है उसको रिकवरी रेट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? रिकवरी रेट थ्योरी। तो आप जाके कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर ने ये थ्योरी नहीं बताई। इट इज आल्सो नोन एज रिकवरी रेट थ्योरी। और कैसी थ्योरी? मतलब ये एनर्जी बैलेंस थ्योरी है जिसमें हम क्या करते थे, हीट डिसिपेशन ज्यादा करते थे, किससे ज्यादा? हीट जनरेशन से, ठीक है। 2 टाइप की थ्योरी है, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बसंत जी, अगर आपने बेल से की है तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कराई होगी, मुझे पूरा भरोसा है। कैसी? एकदम अच्छी है। ग्लूकोज रिले इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट, अगेंस्ट ऑल एक्सटर्नल फॉल्ट, अगेंस्ट बोथ इंटरनल एक्सटर्नल फॉल्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। गुड, जिन्होंने भेल से किए है वो, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको टाइम मिले तो भेल की जो रिपोर्ट है उसको एक बार 2-3 घंटे के लिए आंखों के आगे से निकाल देना, आपको अच्छा नॉलेज आ जाएगा पावर सिस्टम का। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट्स, ठीक है। इंटरनल फॉल्ट्स के लिए हमारे पास जितने भी इंटरनल फॉल्ट्स होते हैं उनके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ग्लूकोज रिले का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ओवरलोड प्रोटेक्शन जो है वो हमारे पास किसके लिए यूज किया जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए, स्टीम टर्बाइन जनरेटर के लिए, गैस टर्बाइन जनरेटर के लिए, या फिर ऑल ऑफ एबो? देखो, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हमें रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको हाइड्रो अल्टरनेटर में जरूर लगाओ, क्योंकि स्टीम टर्बाइन में तो क्या होता है, गवर्निंग सिस्टम इतना बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है कि वो हमारे पास यहाँ पर इजीली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा, है ना। गवर्निंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है इसका, स्टीम टर्बाइन का। लेकिन यहाँ पे जो गवर्निंग सिस्टम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम में, बिल्कुल संदीप जी बाद में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास गवर्निंग सिस्टम जो है स्टीम टर्बाइन में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हाँ 5 बजे तक तो चलेगी क्लास, है ना। ठीक है, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक में गवर्निंग सिस्टम कमजोर होता है, वीक होता है, इसलिए वहां पे जो है हमारे पास ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आपको सिंपल वर्ड में बता रहे हैं केवल, ठीक है, है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर द रेजिस्टेंस, किसी भी थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर में रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाइड वोल्टेज के साथ लीनियरली डिक्रीज करता है, लो करंट पे हाई होता है और हाई करंट पे लो होता है रेजिस्टेंस, या लो करंट पे लो होता है या हाई करंट पे हाई होता है, या फिर अप्लाइड वोल्टेज के साथ लीनियरली इंक्रीज करता है? ठीक है, अच्छे से करिए, ध्यान से देखिएगा। थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर या कोई सा भी लाइटनिंग अरेस्टर, थायराइड का मतलब नहीं है, केवल कोई सा भी लाइटनिंग अरेस्टर है उसमें लीनियरली नहीं डिक्रीज होता, ये तो बात गलत है, वोल्टेज के साथ लीनियरली नहीं डिक्रीज होता, ये ध्यान रखना। वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी थी, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इस तरह से, जिसमें हम जिंक ऑक्साइड मेटेरियल का यूज करते थे, है ना, वहां पे जिंक ऑक्साइड मेटेरियल का यूज करते थे। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपके पास वोल्टेज हो या करंट हो, कोई सा भी मेंशन हो, हमारे पास लो करंट पे जब फॉल्ट आएगा तो हमारे पास जो है लो करंट पे हाई रेजिस्टेंस रहता है इसका, और हाई करंट पे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लीनियरली का तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखो जरा प्लीज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन जो है वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, आवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन वो कहाँ रिकमेंड किया जाता है? आवर फ्लक्सिंग का मतलब फ्लक्स डबलिंग इफेक्ट, फ्लक्स डबलिंग इफेक्ट हमने सीखा हुआ है, फ्लक्स डबलिंग इफेक्ट किसकी वजह से आता है, सेचुरेशन ऑफ कोर की वजह से आता है। ठीक, सेचुरेशन ऑफ कोर की वजह से हमारे पास फ्लक्स डबलिंग इफेक्ट आता था, जिसकी वजह से होता क्या था, हमारे पास जो है स्टार्टिंग में 5 गुना जो है फुल लोड करंट की ज्यादा करंट फ्लो होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन जो है वो कहाँ यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में है तो ट्रांसफार्मर में भाई साहब, जनरेटर ट्रांसफार्मर में, पावर प्लांट में, ऑटो ट्रांसफार्मर में, स्टेशन ट्रांसफार्मर एट द पावर प्लांट, स्टेशन ट्रांसफार्मर एट द पावर प्लांट और जनरेटर ट्रांसफार्मर ऑफ द पावर प्लांट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है क्या, अगर कोई मुझे बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है क्या, एक बार कमेंट करके बताइए। प्लीज कमेंट करके बताइएगा, पावर प्लांट का जनरेटर ट्रांसफार्मर और पावर प्लांट का स्टेशन ट्रांसफार्मर, क्या पावर प्लांट में अलग से स्टेशन बना हुआ होता है क्या, कोई उसमें अलग से ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, किसी ने पावर प्लांट ढंग से देखा हो तो? क्या जनरेट करता है ट्रांसफार्मर, क्या जनरेट करेगा, आज तक तो किया नहीं ट्रांसफार्मर ने। महेश जी,
ट्रांसफार्मर तो बेचारा ट्रांसफॉर्म करता है, आजकल तो ये जनरेट कहां से करने लग गया, जनरेट कहां से करेगा, नहीं करेगा जनरेट। हाँ मयंक जी कुछ सही बोल रहे हैं, मयंक जी सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास जनरेटर ट्रांसफार्मर, बी करेक्ट आंसर दिया हुआ है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जनरेटर ट्रांसफार्मर जो है वो जैसे मान लीजिए बहुत सारे जनरेटर है ना, तो अगर मान लीजिए 11 KV से कनेक्टेड है, वैसे मयंक जी ये बात भी गलत है, जैसे ये सारी बस बार से कनेक्टेड है। अब रियलिटी में क्या होता है, स्टेशन ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर हो जो स्टेशन के खुद के ऑपरेशन के लिए जरूरी हो, स्टेशन की डिवाइसेस भी तो जो है स्टेशन की डिवाइसेस के लिए भी तो कुछ ऑपरेशन के लिए पावर सप्लाई चाहिए ना, तो वहां पे स्टेशन ट्रांसफार्मर होता है। जनरली क्या होता है हमारे पास जो अगर छोटे पावर प्लांट होते हैं तो उसमें जनरेटर ट्रांसफार्मर और स्टेशन ट्रांसफार्मर सेम बात होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो है प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग के अलावा टर्शरी वाइंडिंग भी यूज कर ली जाती है, जिससे टर्शरी वाइंडिंग का हमने एडवांटेज देखा था, टर्शरी वाइंडिंग का यूज जो है ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए कर सकते हो, ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा ऐसी जगह पावर प्लांट है जहां पे टर्शरी वाइंडिंग की सुविधा नहीं है, तो वहां पे स्टेशन ट्रांसफार्मर की मदद से आप क्या कर सकते हो, स्टेप डाउन करके खुद के ऑपरेशन के लिए पावर प्लांट के खुद के ऑपरेशन के लिए। पावर प्लांट में ऐसा तो है नहीं कि वहां पे जो है वो केवल बिजली पैदा करके देंगे हमें, तो यहाँ पे वहां पे वो बेचारे बिजली लेंगे नहीं, तो उनके खुद के ऑपरेशन के लिए तो हमारे पास कुछ ना कुछ लाइट देनी पड़ेगी ना, तो वहां पे स्टेशन ट्रांसफार्मर का यूज किया जा सकता है। अगर ये कब करेंगे, जब हमारे पास मेन ट्रांसफार्मर में टर्शियरी वाइंडिंग अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा प्लीज। एडमिटेंस रिले जो है वो कौन सी रिले होती है, एडमिटेंस रिले इज इंपेडेंस रिले, डिस्टेंस रिले, नॉन डायरेक्शनल रिले, नन ऑफ द अबव। बहुत ढंग से बनाया हुआ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा प्लीज। एडमिटेंस रिले कैसी होती है, देखो इंपेडेंस रिले कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। एडमिटेंस रिले कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है, लेकिन डायरेक्शनल का तो ऑप्शन है ही नहीं, अब हम कोई जबरदस्ती ला नहीं सकते। और एडमिटेंस रिले डिस्टेंस रिले का टाइप होती है, ये भी सही बात है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला। ध्यान दीजिएगा, जज्बाती नहीं होना है, ये हमारे पास इंपेडेंस रिले नॉन डायरेक्शनल होती है, ये नॉन डायरेक्शनल होगी, लेकिन एडमिटेंस रिले जो है इज ए टाइप ऑफ डिस्टेंस रिले, या फिर अगर डायरेक्शनल लिखा होता तो वो करेक्ट हो जाता। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शनल रिले, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो फ्यूज के लिए मटेरियल यूज करोगे उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए, या कुछ भी चलेगा, बताओ जरा प्लीज फटाफट। सतीश जी क्या बात है, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो। मेल्टिंग पॉइंट तो लो होना चाहिए ना ज्योति जी, हाई रखने से क्या मतलब है, देखो जरा प्लीज एक बात बताता हूं मैं आपको, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। फ्यूज मटेरियल, फ्यूज वायर जो है आप यूज करते हो, फ्यूज वायर यूज करते हो किसके बीच में, कॉपर वायर जो होते हैं उनके बीच में आप क्या यूज करते हो, फ्यूज वायर यूज करते हो। ये दोनों जो है ये येलो कलर से मैंने क्या बनाया, कॉपर वायर बनाया। ठीक है, और ये कॉपर वायर है, उसके बीच में कौन सा वायर लगा दिया, सिल्वर वायर। सिल्वर में प्रॉपर्टी अच्छी होती है, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है सिल्वर यूज किया जाता है, सिल्वर की प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है। अब सिल्वर में क्या प्रॉपर्टी अच्छी होती है, सबसे लो रेजिस्टिविटी जो होती है वो सिल्वर में होती है। इसका मतलब लो रेजिस्टिविटी मतलब इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब लो रेजिस्टिविटी, तो सबसे लो रेजिस्टिविटी किसमें मिलती है, सिल्वर में मिलती है। दूसरी बात कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टिविटी लो है, इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि हम जब यहाँ पे हाई करंट फ्लो करवाएंगे, ऐसा नहीं हो कि कॉपर वायर पहले गल जाए और सिल्वर वायर बैठा रहे कि भाई तू पहले गल जा मैं बैठा रहता हूँ मजाक
करता हूँ। कुल मिला के ऐसा नहीं होना चाहिए, सिल्वर वायर जो है वो मेल्ट हो जाना चाहिए किससे, पहले कॉपर वायर से। तो कॉपर वायर से मेल्टिंग पॉइंट जो है सिल्वर वायर का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब ये गल जाएगा तो हमारे टाटा अंबानी सिल्वर यूज करते, ठीक है। कुल मिला के बात ये, सिल्वर जब ये गल जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये सर्किट ओपन हो जाएगा। तो सिल्वर का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाई हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, दोनों लो होने चाहिए, रेजिस्टेंस भी लो होना चाहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जब वायर ही गल जाएगा पूरा तो फिर इसका फ्यूज लगाने का मतलब क्या, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी याद रखनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होनी चाहिए। एक तो हमारे पास इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, जो अभी हम डिस्कस कर चुके। अब रेजिस्टेंस कम होगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। रेजिस्टेंस कब कम होगा, जब हमारे पास लो रेजिस्टिविटी होगी और कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। ये तीन पॉइंट तो हो गए हमारे पास। किसी भी ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, डिटोरिएशन नहीं होना चाहिए वायर का, ये हमारे पास फ्री होना चाहिए और इट शुड बी इकोनॉमिकल। और ये कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। हाई वोल्टेज के लिए अभी आगे देखेंगे, एचआरसी फ्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं महेश जी, आप थोड़ा लेट आए हो, फ्यूज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इफ द फॉल्ट अकर्स नियर द इम्पीडेंस रिले, है ना, इफ द फॉल्ट अकर्स नियर द इम्पीडेंस रिले, वी बाई आई रेशियो जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट फॉर ऑल डिस्टेंस, लोअर देन मतलब घट जाएगा या बढ़ जाएगा या नन ऑफ द एबो, ये बताओ। हाई रेटिंग के लिए एचआरसी फ्यूज यूज करते हैं, एचआरसी की फुल फॉर्म या हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, अगर फॉल्ट जो है रिले के नजदीक होगा, पहली बात तो हमने बताया था कि ये इंपीडेंस रिले ऑपरेट ही नहीं होगी। अगर ऑपरेट कराना है तो हमारे पास क्या, पोलराइजिंग सर्किट लगाना पड़ेगा। पोलराइजिंग सर्किट में हम क्या यूज करते थे, कैपेसिटर का यूज करते हैं, मेमोरी एक्शन के कारण वह प्रोवाइड कर देगा प्रोटेक्शन, ठीक है। अब रिले के नजदीक जितना फॉल्ट आएगा उतना हमारे पास डिस्टेंस घटेगी, और जितना डिस्टेंस घटेगी तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, फॉल्ट करंट का लेवल ज्यादा हो जाएगा। फॉल्ट करंट का लेवल ज्यादा होगा तो इंपीडेंस जो है वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो सेकंड जो है हमारे पास ये करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक। आगे देखो जरा प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हालांकि इसको हम बता चुके हैं पहले ही। फिर भी अब बता दीजिए आप, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में सबसे ज्यादा कौन सा फ्यूज हमारे पास यूज होता है, सॉरी सर्किट ब्रेकर यूज होता है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में सबसे ज्यादा सर्किट ब्रेकर कौन सा यूज होता है, अभी बताया था आपको, फटाफट बताइएगा। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज द मोस्ट यूजेबल सर्किट ब्रेकर एट द रेलवे एप्लीकेशन, ठीक है। आपके घर के बाहर एमसीबी लगी हुई होनी चाहिए, अगर अगर नहीं लगी हुई है तो आज ही तुरंत मार्केट जाके एमसीबी लेके आना, एमसीबी बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर के आगे एमसीबी, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के घर के आगे एमसीबी नहीं लगी हुई हो तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और रियलिटी में बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एमसीबी की वजह से हमारे घर में बहुत सारे हादसे होने की वजह से बचे। कई बार मैं जो है घर वाले बोलते हैं ना कि पंखा सही कर दे, पंखे के जो है टर्मिनल गलत लगा दिए थे, तो वहां पे क्या हो गया, शॉर्ट हो गया था, शॉर्ट होने की वजह से एमसीबी जो है फटाफट ट्रिप कर गई थी, ठीक है। तो एमसीबी होना बहुत जरूरी है हमारे पास, ठीक है। बोथ शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, एमसीबी बेचारी भेदभाव नहीं करती है, वो तो देख लेती है कि ज्यादा करंट आ गई, अपने फटाफट ट्रिप हो जाओ, ठीक है। आर स्विचिंग, कौन सी आर स्विचिंग, अगर आपको डिटेल से जानना है एमसीबी के बारे में तो ये देख लीजिएगा, बहुत डिटेल से ये नोट्स मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, बहुत डिटेल से लिखा हुआ है।
चलो समझाते हैं वेव ट्रैप, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। वेव ट्रैप कौन सी वेव को ट्रैप करेगा ये बताओ, पावर फ्रिक्वेंसी की वेव को ट्रैप करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी की वेव को ट्रैप करेगा, लोअर फ्रिक्वेंसी की वेव को ट्रैप करेगा या मीडियम फ्रिक्वेंसी की वेव को ट्रैप करेगा। MCCB की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी ना, मोल्डिंग केस सर्किट ब्रेकर, MCCB, मोल्डिंग केस सर्किट ब्रेकर। आजकल मोटर्स के प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है, MCCB है ना, MCCB यही यूज की जाती है। बिल्कुल बढ़िया बात, LC ट्यून सर्किट इसमें यूज करते हैं। हमारे पास LC ट्यून सर्किट यूज करके हम क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी की वेव जो है उनको हम ट्रैप करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हाई फ्रिक्वेंसी की वेव कहाँ से आ गई पावर लाइन में, हाई फ्रिक्वेंसी की वेव कहाँ से आ गई, क्यों जरूरत पड़ी, ये कमेंट करके बताओ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। पावर लाइन में तो पावर फ्रिक्वेंसी होती है ना 50 हर्ट्ज़, ये एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी कहाँ से आ गई, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, कोई बताएगा मुझे कमेंट करके। PDF मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है इसमें, अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है दोनों में से। बहुत बढ़िया बात ज्योति जी, वेरी गुड। कम्युनिकेशन के लिए जो जयपुर में हमारी एक टीम बैठी है, जयन साहब बैठे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वो सारे जितने भी हमारे पास राजस्थान के GSS है, सारे सब स्टेशन की मॉनिटरिंग करते हैं। कैसी मॉनिटरिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग। हेल्थ मॉनिटरिंग का मतलब पावर, ऐसे नहीं कोरोना चेक करते हैं, हाँ वो केवल चेक करते हैं हमारे पास पावर वोल्टेज करंट फ्रिक्वेंसी ये सभी चेक करते हैं, और उसके लिए सिग्नल जो भेजा जाता है वो उसी ट्रांसमिशन लाइन से भेजा जाता है, अलग से कोई ट्रांसमिशन लाइन नहीं भेजाई जाती है। तो मतलब एक ही लाइन में रियलिटी में कम्युनिकेशन सिग्नल भी होता है और पावर सिग्नल भी होता है। क्लियर, कम्युनिकेशन सिग्नल भी होता है और पावर सिग्नल। अब जब हमारे पास दोनों सिग्नल आते हैं तो कम्युनिकेशन सिग्नल को रोक के पावर सिग्नल को आगे भेजने के लिए, और पावर कम्युनिकेशन सिग्नल को रोक के केवल कम्युनिकेशन सर्किट में भेजना पड़े, वहां पे हमारे पास PLCC का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है। आप जाके देखना आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी अच्छे GSS पे जो सिटी में होगा, वहां पे PLCC का पूरा एक अलग डिपार्टमेंट होता है, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। ठीक है, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। पावर लाइन में हम क्या करते हैं, कैरियर सिग्नल को भेजते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज। अगर आपने इसकी फुल फॉर्म ढंग से पढ़ ली तो भी समझ में आ जाएगा। पावर लाइन में हम क्या भेजते हैं, कैरियर सिग्नल भेजते हैं। कैरियर सिग्नल कैसा होता है, कम्युनिकेशन का बेसिक तो जानते होंगे आप, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है और जो कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक, आगे देखो जरा प्लीज, सेकंड करेक्ट आंसर था हमारे पास LC ट्यून सर्किट होता है, इस तरह से हम पहले बता चुके हैं इसके बारे में, और डिटेल से जानना है तो आप देख लीजिएगा PDF में। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरेक्शन बिटवीन या इंटरफेरेंस बिटवीन ए ट्रांसमिशन लाइन एंड ए कम्युनिकेशन लाइन इज मिनिमाइज्ड बाय, अगर यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ट्रांसपोजिंग ट्रांसमिशन लाइन एज वेल एज कम्युनिकेशन लाइन, इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन टावर, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, और ऑल ऑफ द अबव, विच इज द करेक्ट आंसर। कैरियर की स्पेलिंग जो है CARER नहीं होगी, CARIER, ये कैरियर सिग्नल होता है। ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, हाइट बढ़ाओगे ट्रांसमिशन टावर की, तो इन सब से आपके पास इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम होगा। ठीक है अजय जी, गुड आंसर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ने मयंक जी आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास सीक्वेंस क्या रहती है स्विच को ऑपरेट कराने की, यहाँ पे तो इन ऑर्डर टू स्विच ऑफ एंड EHV सर्किट, EHV सर्किट में हम मेंटेनेंस के लिए जब स्विच ऑफ करते हैं सारे स्विच, तो हम कौन से सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, पहले सर्किट ब्रेकर देन आइसोलेटर देन अर्थ स्विच, या पहले अर्थ स्विच फिर आइसोलेटर फिर सर्किट ब्रेकर, या पहले आइसोलेटर फिर अर्थ स्विच और या फिर सर्किट ब्रेकर सबसे लास्ट में, और या हमारे पास ओपन द आइसोलेटर फिर सर्किट ब्रेकर और फिर अर्थ स्विच, बताइएगा। चार ऑप्शन है, तीन चीजें,
इसमें सबसे पहले किसको ऑपरेट कराना है ये बताइए। राहुल जी लेट हो गए, क्या बात है, 3 बजे थी आज क्लास। नदीम जी, मनीष जी, गुड परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। अच्छा पहली बार देख रहे हो क्या? तो राहुल जी कोई दूसरे होंगे, हमारे एक राहुल जी भी है। और ठीक है, देखो जरा प्लीज, इसमें क्या होता है मैं आपको अलग से समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन लोडेड होती है, आपको क्या करना है, लोडेड होती है तो लोडेड कंडीशन में, ऑन लोड कंडीशन में आपके पास ऑप्शन है कौन से, किसको ऑपरेट कराओगे बताओ, सर्किट ब्रेकर या फिर आइसोलेटर। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो, लोड ऑन लोड कंडीशन में किसको ऑपरेट कराओगे। तो सबसे पहले हम किसको ऑपरेट कराएंगे, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराएंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन किसका होना चाहिए, सर्किट ब्रेकर का। अब भाई साहब उसके बाद जैसे ही लोड को हटा दिया तो कौन सी कंडीशन आ गई, नो लोड कंडीशन आ गई। नो लोड कंडीशन में भी क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट डिवाइसेज होती है, संट रिएक्टर हो गया, संट कैपेसिटर हो गया, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, रेजिडुअल चार्ज अवेलेबल रहता है, रेजिडुअल फ्लक्स अवेलेबल रहता है। रेजिडुअल चार्ज किसमें रहेगा, संट कैपेसिटर में, और रेजिडुअल जो फ्लक्स है वो किसमें अवेलेबल रहेगा हमारे पास, वो फ्लक्स अवेलेबल रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे चिंटू जी जो है मेंटेनेंस करने चले गए कि भाई साहब अमित जी ने तो लाइन को क्या कर दिया, सर्किट ब्रेकर ओपन कर दिया है, अब कोई मुझे खतरा नहीं है, तो रुक जाओ चिंटू जी, इतना जल्दी मत जाना, क्योंकि रेजिडुअल वाले है ना ये ज्यादा झटका देते हैं, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट तो है वो ज्यादा झटका देते हैं, रेजिडुअल चार्ज जो है बहुत आपको जो है बहुत किलोमीटर दूर भेज देगा ये भी नहीं पता चलेगा। रेजिडुअल फ्लक्स जो है, ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट जो है, इनसे पंगा मत लेना, ठीक है। तो इसकी ये जो एनर्जी है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसिपेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी सेफ्टी के लिए पहले आइसोलेटर को ओपन कर देता हूँ। इसके बाद किसको ओपन कर देते हैं, आइसोलेटर को ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो एनर्जी है, एनर्जी को हम ट्रांसफर करते हैं किसको, ग्राउंड में ट्रांसफर कर देते हैं, ग्राउंड में, क्योंकि सहन करने की हिम्मत तो केवल एक के पास ही है, ग्राउंड, अर्थ के सिवाय कोई ऐसा है ही नहीं हमारे पास हिम्मत वाला जो ऐसी एनर्जी को सहन कर सके। तो हम एनर्जी को जो है ग्राउंड में ट्रांसफर करते हैं किसके थ्रू, अर्थ स्विच के थ्रू, इसको बोलते हैं अर्थ स्विच, ठीक है। तो हमारे पास सिक्वेंस क्या होगी, सबसे पहले सर्किट ब्रेकर, देन आइसोलेटर, देन अर्थ स्विच, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट क्या आंसर होगा, ओपन द सर्किट ब्रेकर, ओपन द आइसोलेटर, ओपन द अर्थ स्विच। शिवम जी आप कहां से आए हो, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ प्लीज। आपको मैंने प्यार से समझा दिया मेरे रूल रेगुलेशन, कि जब मैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, जहां कैपेसिटेंस ग्रेडिंग आनी थी वहां अच्छे से समझा चुका, अब मैं क्यों समझाऊं। लाइव क्लास फर्स्ट या सेकेंड में जाइएगा, आपको वहां मिल जाएगी। आप तो ऑन डिमांड हो यार, योगी जी बन रहे हो आप तो, ऑन डिमांड बताओ, समझ गए, ठीक। ठीक समझ में आया, अरे जोधपुर के होके, मारवाड़ी होके ऐसे क्या कर रहे हो यार, इतने ढीले पड़ गए मारवाड़ी, ऐसे तो नहीं होते मारवाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट है हमारे पास सर्किट ब्रेकर को ओपन करना, फिर हम जो है आइसोलेटर के थ्रू डिस्चार्ज है उसको हम अर्थ स्विच के थ्रू जो है ट्रांसफर करेंगे, ताकि ह्यूमन सेफ्टी जो है वो बनी रहे, ठीक है। आगे देखो जरा प्लीज, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, चलो अब क्षेत्रवाद मत फैलाओ विनोद जी, पढ़ाई करो। इंडक्शन कप रिले इज ऑपरेटेड ड्यू टू चेंजेस इन करंट वोल्टेज बोथ 1 एंड 2
none of the above. ठीक है, इंडक्शन कप रिले फटाफट बताओ, इसके बारे में मैंने बताया था। इंडक्शन कप रिले क्या होती है, इंडक्शन टाइप रिले कौन सी रिले होती है, डायरेक्शनल रिले। और डायरेक्शनल रिले की आपको इक्वेशन याद है क्या, डायरेक्शनल रिले की इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास, टी इक्वल टू के थ्री वी आई कॉस थीटा माइनस टो। तो वोल्टेज भी चाहिए और क्या चाहिए, करंट भी चाहिए, पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल दोनों थी, इंडक्शन टाइप रिले इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, और ये केवल कहाँ यूज होगी, एसी सिस्टम में यूज होगी, डीसी में तो होगी नहीं। तो करंट एंड वोल्टेज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अभिलाषा जी बहुत बहुत बढ़िया, मयंक जी गुड। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें जो है दिमाग खराब हो जाता है, इतना दिमाग खराब होता है कि क्या करें। लाइटनिंग अरेस्टर जो है हमारे पास, कल बता रहे थे लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से इसको नहीं बता पाए, अब बता देंगे। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर जो है हमारे पास पावर सिस्टम में जो कनेक्ट होता है वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को। ओवर वोल्टेज ड्यू टू इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, डायरेक्ट स्ट्रोक एट लाइटनिंग फ्रिक्वेंसी फ्लक्चुएशन, ओवर करंट ड्यू टू द इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। फटाफट बताइएगा, और किसी ने पूछा था सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, ये भी बताएंगे। इसको मैं तभी समझाऊंगा जब मुझे कमेंट करके बताइए जो चीजें मैं समझा चुका हूं उसके बारे में। मुझे एक बात बताइए, लाइटनिंग अरेस्टर, सर्ज अरेस्टर और सर्ज एब्जॉर्वर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सर्ज एब्जॉर्वर, सर्ज अरेस्टर, क्या हम लाइटनिंग अरेस्टर को सर्ज अरेस्टर बोल सकते हैं, पहले इस स्टेटमेंट का जवाब देना। क्या सर्ज अरेस्टर को लाइटनिंग अरेस्टर बोल सकते हैं या फिर लाइटनिंग अरेस्टर को सर्ज अरेस्टर बोल सकते हैं, ये जवाब देना। देखो जरा प्लीज, सर्ज अरेस्टर कैन बी ऑपरेट एज लाइटनिंग अरेस्टर, बट लाइटनिंग अरेस्टर कांट बी ऑपरेट एज सर्ज अरेस्टर, पहली बात तो ये। अब मैं आपको बताता हूं सर्ज जो है वो हमारे पास कितनी वजह से आती है। सर्ज का मतलब होता है हाई वोल्टेज सर्ज, हाई वोल्टेज की कोई भी चीज आ जाए उसको हम हाई वोल्टेज सर्ज बोलते हैं। ठीक है, अब हाई वोल्टेज सर्ज जो है एक तो आती है लाइटनिंग की वजह से, किसकी वजह से आती है, लाइटनिंग की वजह से आती है, और दूसरी आती है हमारे पास स्विचिंग एक्शन की वजह से या ट्रांजिएंट एक्शन की वजह से, स्विचिंग एंड ट्रांजिएंट एक्शन की वजह से। ठीक है, अब जो ये लाइटनिंग हमारे पास, लाइटनिंग जो डायरेक्ट आती है, एक बात बताओ, कल मैंने जाने अनजाने आपको जरूर बताया होगा कि दो पोल है यहाँ पे इस तरह से दो पोल है, ये देखिएगा ये दो पोल है। अब इन दोनों पोल के ऊपर क्या लगा होता है बताओ तो, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा होता है, कौन सा वायर लगा होता है, अर्थ वायर लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अर्थ वायर लगा होता है। अगर मान लीजिए कोई लाइटनिंग आता है इस तरह से डायरेक्ट, ठीक है, तो डायरेक्ट लाइटनिंग जो आती है उससे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, अर्थ वायर, अर्थ वायर बोल दो या फिर अर्थ स्क्रीन बोल दो, वो किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट स्ट्राइकिंग से। डायरेक्ट जो स्ट्राइकिंग होगी या डायरेक्ट स्ट्रोक होगा उससे हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, अर्थ वायर। ठीक है, अर्थ वायर या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड वायर या अर्थिंग स्क्रीन, कुछ भी बोल दो, ये सब एक ही है ना, अर्थिंग स्क्रीन बोल दीजिए। ठीक है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डायरेक्ट से। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में ये होता है कि जो लाइटनिंग ऊपर से गिरती है उसमें हमारे पास क्या होता है,
कि लाइटनिंग की वजह से हाई इम्पल्स जनरेट हो जाते हैं और इम्पल्स जनरेट होने की वजह से हमारे पास सर्जेस बनती है। तो वो हमारे पास जो सर्जेस बनती है वो इनडायरेक्ट लेवल से बनती है, डायरेक्ट लेवल से नहीं बनती है। डायरेक्ट अगर जो भी आएगा वो हमारे पास किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, अर्थ वायर से। इनडायरेक्ट जो भी स्ट्रोक होगा उसको रोकने का काम कौन करेगा, लाइटनिंग अरेस्टर। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब समझिएगा, इनडायरेक्ट जो स्ट्रोक होगा वो हमें उससे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड करेगा। मतलब लाइटनिंग की वजह से हमारे पास नियर बाई जो लाइन है उसमें हमारे पास क्या हो, इम्पल्स जनरेट हो जाए। लाइटनिंग की वजह से जो डायरेक्ट स्ट्रोक है उसकी वजह से नियर बाई लाइन में जो स्ट्रोक जनरेट होता है या इम्पल्स जनरेट होता है उससे प्रोटेक्शन के लिए हम क्या लगाएंगे, लाइटनिंग अरेस्टर लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, इनडायरेक्ट लाइटनिंग से प्रोटेक्शन हमारे पास ये रहेगा। ठीक, अब हमारे पास इस क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये तो समझ में आ गया इनडायरेक्ट लाइटनिंग अरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास रहना चाहिए करेक्ट आंसर आवर वोल्टेज से रहना चाहिए। ठीक है, आवर वोल्टेज से रहेगा या आवर करंट से रहेगा, एक मिनट, यहाँ पे आवर वोल्टेज करिएगा। आवर वोल्टेज जो आता है किसकी वजह से, इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स की वजह से, उसकी वजह से हमारे पास जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वो लाइटनिंग अरेस्टर करेगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो स्विचिंग एंड ट्रांजिएंट की वजह से जो इम्पल्स आती है उससे जो हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा उसको बोलते हैं सर्ज डाइवर्टर। तो सर्ज डाइवर्टर जो है उसको आप यूज कर सकते हो लाइटनिंग अरेस्टर की तरह, लेकिन लाइटनिंग अरेस्टर को कभी भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास RSM SSB में ऐसा क्वेश्चन आया था, सर्ज डाइवर्टर को आप यूज कर सकते हो लाइटनिंग अरेस्टर की तरह, लेकिन लाइटनिंग अरेस्टर को सर्ज डाइवर्टर की तरह कभी भी नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है और यहाँ पे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, आपने हेमलता जी दो बार आंसर दिया था, एक बार फर्स्ट दिया एक बार सेकेंड दिया, अब कौन सा किसके लिए दिया आप देखो जरा प्लीज। ठीक है, आवर वोल्टेज ड्यू टू इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। ठीक, अब यहां देखो जरा प्लीज नेक्स्ट। तो इनडायरेक्ट स्ट्रोक को आपको और थोड़ा ढंग से बताते हैं, इनडायरेक्ट स्ट्रोक को, हालांकि PDF है इसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, अरे कोई नहीं, किसने क्या बताया था, हम यहाँ युद्ध थोड़ी लड़ रहे हैं। अब देखो जरा प्लीज, इनडायरेक्ट स्ट्राइक का मतलब क्या है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन पे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए, डायरेक्ट का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है या फिर इनडायरेक्ट का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इनडायरेक्ट जो स्ट्रोक है उसका जो लाइट ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, अब जो डायरेक्ट स्ट्रोक आता है उसके कारण हमारे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिकली जो चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है, किसकी वजह से, चार्ज क्लाउड्स की वजह से। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है कई बार हमारे पास जो लाइटनिंग डिस्चार्ज जो है उसकी वजह से हमारे पास अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए और उसकी वजह से जो हमारे पास स्ट्रोक होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्ट्रोक होगा। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि डायरेक्ट स्ट्रोक में कौन सा चार्ज होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इनडायरेक्ट स्ट्रोक होता है उसमें कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, ठीक है, आगे देखो जरा प्लीज नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा। द बर्डन ऑफ ए प्रोटेक्टिव रिले इज द पावर। मेरे स्टूडेंट हो, आपका ध्यान नहीं रखूंगा तो किसका ध्यान रखूंगा, आप कहां गलती करते हैं, अगर मैं अभी नहीं ध्यान दूंगा तो आप रिजल्ट अच्छा कैसे दोगे। द बर्डन ऑफ ए प्रोटेक्टिव रिले इज द पावर। बर्डन का मतलब क्या होता है, बर्डन का मतलब बताइए कोई, बर्डन का मतलब होता है सिंपल लोड। तो किसी भी रिले की जो बर्डन होता है उसका मतलब क्या होता है, पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द सर्किट ब्रेकर, एब्जॉर्ब बाय द सर्किट ऑफ रिले, डेवलप बाय द रिले सर्किट, नन ऑफ द अबव, व्हिच इज द करेक्ट आंसर। अब सही दिया है हेमलता जी, वेरी गुड, करेक्ट। बर्डन का मतलब होता है लोड, और लोड क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है। रिले द्वारा जो भी पावर एब्जॉर्ब होगी वो हमारे पास क्या होगी, सर्किट रिले जो पावर एब्जॉर्ब करेगी वो होगी बर्डन। क्लियर, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्शनल रिले आर बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ। डायरेक्शनल रिले जो है कौन से
फ्लो के ऊपर बेसिस होती है, पावर, करंट, वोल्टेज वेव, नन ऑफ द अबव। अरे डायरेक्शनल रिले इज आल्सो नोन एज रिवर्स पावर फ्लो रिले, इज आल्सो नोन एज रिवर्स पावर रिले। बहुत बढ़िया रश्मि जी, वेरी गुड, क्या करते हो। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। नदीम जी, राधिका जी ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी को मनीष जी करेक्ट आंसर है, बाकी मेहनत करिए। रिवर्स पावर फ्लो रिले इज डायरेक्टली डायरेक्शनल रिले। आपको बताया था लोड एंड पे हमारे पास क्या होता है, रिवर्स पावर फ्लो होता है, उसके लिए हमारे पास जो है, या रिवर्स करंट फ्लो होती है, उसके लिए हमारे पास जो रिले यूज की जाती है उसको हम डायरेक्शनल रिले बोलते हैं। सेकंड इज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक, रिवर्स पावर फ्लो रिले। ठीक, आगे देखो जरा प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अब मुझे बताइएगा फटाफट। ए, ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोटेक्टेड बाय, ट्रांसमिशन लाइन को किन किन मेथड से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, टाइम ग्रेडेड, करंट ग्रेडेड, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। ज्योति जी, वेरी गुड, सबसे फास्ट आंसर यहाँ पर, सबसे फास्ट आंसर है ज्योति जी का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर फास्ट कौन देगा। यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन लाइन में ध्यान रखिएगा, तीन टाइप के प्रोटेक्शन अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले टाइम ग्रेडेड, दूसरा होता है करंट ग्रेडेड, और तीसरा होता है हमारे पास डिस्टेंस प्रोटेक्शन। देखो अगर आपको मैं शॉर्ट में याद दिलाऊं तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही था, मैंने आपको बताया था अलग अलग जोन है, तो अलग अलग जोन में जो जनरेटर के नजदीक होगा सबसे, वहां पे फॉल्ट करंट का लेवल ज्यादा रहता है। जैसे ये 5 किलो एम्पियर से 10 किलो एम्पियर, 10 किलो एम्पियर से 15 किलो एम्पियर, और 15 किलो एम्पियर से आपके पास 20 किलो एम्पियर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करंट की ग्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये हो गया करंट ग्रेडेड। साथ ही साथ हम रिले को भी डिजाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे आए तो पॉइंट एक सेकेंड लेना ऑपरेट करने में, यहाँ पे आए तो पॉइंट दो सेकेंड लेना, यहाँ पे आए तो 0.3 सेकंड लेना ऑपरेट करने में, यहाँ पे फॉल्ट आए तो 0.4 सेकंड लेने। तो ये टाइम ग्रेडेड हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, टाइम ग्रेडेड। और डिस्टेंस के साथ यहाँ पर इस तरह से प्रोटेक्शन अप्लाई कर रहे हो, तो इसको हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, जिसमें मोर रिले, डिस्टेंस इंपीडेंस रिले और रिएक्टेंस रिले का आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग लाइन। क्लियर, ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ वन एंड टू करेक्ट आंसर था। लार्ज इंटरनल फॉल्ट है, उनको कैसे फॉल्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, मर्ज प्राइस, परसेंटेज, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, मो या ओम रिले से, हॉर्न गैप और टेम्परेचर रिले से, अर्थ फॉल्ट एंड पॉजिटिव सीक्वेंस रिले से। वेरी गुड ज्योति जी, अगेन फर्स्ट करेक्ट आंसर हमारे पास ज्योति जी का है, और इन्होंने दिया है मर्ज प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ये इंटरनल। अगर यहाँ पे हमारे पास बुक होल्स रिले होता तो आप ध्यान दीजिएगा इन दोनों में से आप कौन सा सेलेक्ट करते, बुक होल्स रिले होता तो वो तो हमारे पास ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये अल्टरनेटर से रिलेटेड है। मेनली अल्टरनेटर में सबसे ज्यादा मर्ज प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज किया जाता है, ठीक है, आगे देखो जरा प्लीज नेक्स्ट। जब कोई भी ट्रांसमिशन लाइन एनर्जाइज होती है तो वेव क्या करती है, प्रोपेगेट करती है, कैसे प्रोपेगेट करती है, करंट वेव प्रोपेगेट करती है, केवल वोल्टेज वेव, या दोनों, या पावर फैक्टर वेव ओनली। तो विनोद जी आप भी तो फास्ट नेट लगाओ, VT इक्वल टू वाईफाई सिस्टम है, यहाँ पे हमारे पास जो है करंट वेव और वोल्टेज वेव दोनों ट्रेवल होती है ना,
v इक्वल टू v नॉट प्लस e की पावर माइनस गामा z, किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, और v नॉट माइनस e की पावर माइनस गामा z, सॉरी प्लस गामा z, और i का भी ऐसा ही होता है, i नॉट प्लस e की पावर गामा z माइनस i नॉट, ऐसा कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट होता है ऐसा है। इसमें हमारे पास z क्या है, डिस्टेंस होती है, तो एक वेव जो है z डिस्टेंस बढ़ने पर एक्सपोनेंशियली डिके होती है, और एक वेव जो है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो इसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं, करंट वेव और वोल्टेज वेव, तो बोथ वन एंड टू करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखो जरा प्लीज, ये जो पहला कंपोनेंट होता है ना, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव। अगर कोई पूछे आपको तो ट्रेवलिंग वेव क्या होती है हमारे पास, तो ये ट्रेवलिंग वेव है हमारे पास, ये फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव होती है। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है ये हमारे पास बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव होती है। इसको डिटेल से अपन EMFT में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये वहां का कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। तो अगर आपको पूछा जाए स्टैंडिंग वेव क्या होती है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव, ठीक है, और ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों हो गई, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, Protective relays are devices that detect abnormal conditions in electrical circuit by measuring. क्या मेजर करती है प्रोटेक्टिव रिले, बताओ फटाफट। करंट मेजर करती है केवल, वोल्टेज मेजर करती है, या फिर जितनी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जो नॉर्मल और एबनॉर्मल में, उन सबको मेजर करती है, या नन ऑफ द एबो? रिले जो है पावर, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी, फेज, वोल्टेज, करंट, सभी क्वांटिटी को मेजर करती है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिले एक सेंसर है, ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखिएगा। द वोल्टेज अपीयरिंग across the circuit breaker contacts, across the circuit breaker contacts after opening the circuit breaker is called, कौन सा होगा बताइए जरा प्लीज। रिकवरी वोल्टेज, सर्ज वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज, आर्क वोल्टेज, विच इज द करेक्ट आंसर? क्या बात है मनीष जी, वेरी गुड, इस बार मनीष जी आगे बढ़ गए। देखो मैं आपको समझाता हूं, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज तीन टर्मिनोलॉजी है और तीनों में गलती करते हैं। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज, ये तीन अलग अलग चीजें होती है। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज किसकी वजह से आता है, करंट चॉपिंग फिनोमेना की वजह से, किसकी वजह से, करंट चॉपिंग फिनोमेना की वजह से रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या लगाते हैं, R इक्वल टू 0.5 अंडर रूट L बाई सी, और इस कंडीशन में जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू आप प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज है उसको भी देख सकते हो। एक वोल्टेज और होता है प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू जो है वो करंट चॉपिंग के दौरान रहती है, और उसकी वैल्यू जो रहती है V इक्वल टू I रूट L बाई सी, ये रहती है। अगर आपके पास ये ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको नहीं बताया था, अभी देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा रहता है कुछ, या कैपेसिटी इफेक्ट रहता है, ठीक है, वहां पे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आता है। पहली बात, ये तो आपको समझ में आ गया, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज समझ में आ गया। अब बचे हैं हमारे पास एक्टिव रिकवरी और रिकवरी, तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बाकी तो मैंने बता दिया आपको। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज क्या सेम है या दोनों अलग अलग है? फ्यूचर करंट के लिए प्रोस्पेक्टिव करंट होती है, प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज नहीं होता है, ठीक है। अब कमेंट करके बताइएगा प्लीज।
देखो जरा प्लीज, जब हमारे पास सर्किट ब्रेकर में आर्क रहती है, ड्यूरिंग आर्क, तब जो वोल्टेज होता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज होता है, और जब आर्क एक्सटिंग हो जाती है तब हमारे पास जो वोल्टेज आता है वो होता है रिकवरी वोल्टेज। आर्क एक्सटिंग हो जाती है तब हमारे पास जो वोल्टेज आएगा दैट इज द रिकवरी वोल्टेज। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, रिकवरी वोल्टेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, दोनों की डेफिनेशन बताता हूँ मैं, डेफिनेशन में क्या फर्क है, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, दोनों की डेफिनेशन बताता हूँ जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली कंफ्यूजन कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे रिकवरी वोल्टेज की डेफिनेशन है। रिकवरी वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है, आफ्टर द आर्क इंटरप्शन, क्या वर्ड लिखा हुआ है, इमीडिएटली आफ्टर द आर्क इंटरप्शन। सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के बीच में, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के बीच में ये वोल्टेज है, लेकिन कब है, आफ्टर द आर्क इंटरप्शन। ठीक है, एट करंट जीरो कंडीशन जो वोल्टेज होगा उसको रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी, रिकवरी वोल्टेज की। दूसरा बताता हूं मैं आपको, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या बताया, ड्यूरिंग द आर्क इंटरप्शन या आर्क एक्सटेंशन, एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन, जब हमारे पास आर्क बुझने वाली हो उस कंडीशन में, ड्यूरिंग द आर्क एक्सटेंशन, जो हमारे पास वो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के अक्रॉस जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। अगर आपको पूछा जाए तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, और आफ्टर द आर्क एक्सटेंशन जो वोल्टेज होगा उसको हम बोलते हैं रिकवरी वोल्टेज। बोथ आर डिफरेंट थिंग, क्लियर। अरे तो फिर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आ जाएगा ना, फिर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आ जाएगा। अब मुझे बताओ अगला क्वेश्चन, द आयोनाइजेशन इन द सर्किट ब्रेकर इज फैसिलिटेटेड बाई हाई टेम्परेचर। आयोनाइजेशन किसकी वजह से होता है, मैंने आपको कारण बताए थे, मेन फ्री पाथ के इंक्रीज होने की वजह से, या फील्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीज होने से, या ऑल ऑफ द अबो, प्लीज बताइएगा। आर्क वोल्टेज अलग होगा, अभी रुको तो सही यार, आर्क वोल्टेज, तो आर्क वोल्टेज, आर्क के, आर्क का जो वोल्टेज होगा वी आर्क इक्वल टू आई आर्क इनटू आर्क रेजिस्टेंस, वो आर्क वोल्टेज है। सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो तो तीन वोल्टेज है, तीन, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज। आर्क वोल्टेज तो अलग है ना हमारे पास, मेन प्री पाथ को, यहाँ पे प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये लेंथ नहीं है। लोग बोलेंगे कि लेंथ बढ़ाने से हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो हमारे पास आयनाइजेशन घटता है, ये लेंथ नहीं है, ये मेन फ्री पाथ है। मेन फ्री पाथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, दो सक्सेसिव कोलोजन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के दो सक्सेसिव कोलोजन्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेन फ्री पाथ बोलते हैं। अगर मेन फ्री पाथ बढ़ेगा तो भी आयोनाइजेशन बढ़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, इट इज नॉट द लेंथ ऑफ आर्क, करेक्ट, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर का जो रेटेड वोल्टेज होता है वो कैसा होता है, आरएमएस फेज टू फेज वोल्टेज, एवरेज फेज टू फेज वोल्टेज, आरएमएस ग्राउंड टू फेज वोल्टेज, आरएमएस फेज टू फेज वोल्टेज। पहला और चौथा ऑप्शन सही सेम है, तो चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव कर दो, कौन सा करेक्ट होगा प्लीज बताइएगा। आरएमएस फेज वोल्टेज, आरएमएस फेज टू फेज वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, क्लियर। देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ए रिले यूज फॉर द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एंड अर्थ फॉल्ट इज, अर्थ फॉल्ट के लिए जो सबसे ज्यादा रिले यूज की जाती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए वो कौन सी रिले, रिएक्टेंस, मो, इम्पीडेंस, नन ऑफ द अबव। रेटिंग तो एमवीए में होगी, रेटिंग
रिएक्टेंस रिले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ज्योति जी, फास्ट आंसर. सुनीता बेनीवाल, फास्ट आंसर, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आया आर्क वोल्टेज. कौन बोल रहा था आर्क वोल्टेज के बारे में? द आर्क वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन एसी सर्किट ब्रेकर इज ऑलवेज इन फेज विद द आर्क करंट, लैगिंग द आर्क करंट बाय 90 डिग्री, लीडिंग द आर्क करंट बाय 90 डिग्री, नन ऑफ द अबव. इन फेज विद आर्क करंट. सही बात, बिल्कुल बढ़िया बात. देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा. ये जो वेव फॉर्म दी हुई है, ऐसा ही हमने कुछ बनाया था, आपको पता होगा. तो अगर आप कोई बोल रहा था कि आर्क वोल्टेज भी, तो सर यही होता है. देखो आर्क वोल्टेज जब आर्क जनरेट हो रही हो, क्लियर, ठीक है, आर्क जो है कंटिन्यूसली मेंटेन है, जब आर्क यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, तब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसको हम बोलेंगे एक्टिव रिकवरी वोल्टेज. इस कंडीशन पे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, इंस्टेंट, इसी इंस्टेंट पे जो वोल्टेज होगा उसी को एक्टिव रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं. ठीक है, यहां पे जो वोल्टेज होगा, उसके बाद यहां पे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज आ सकता है. यहां पे जो ये हाई वोल्टेज आएगा, इसी को क्या बोलते हैं, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज. ठीक है, और अगर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज हटने के बाद, आर्क बुझने के बाद, हमारे पास जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा उसको बोलते हैं रिकवरी वोल्टेज. लास्ट में जो वोल्टेज रहेगा वो कौन सा रहेगा, रिकवरी वोल्टेज. तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन सा वोल्टेज आता है, आर्क वोल्टेज आता है. देन हमारे पास किसी भी इंस्टेंट पे आर्क जब एक्सटेंड होने वाली हो, तब हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो होता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज. ठीक, आगे देखिएगा. हाँ यूथ में गलत दे रखा है, ठीक है, आगे देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एचआरसी फ्यूजेस प्रोवाइड्स द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट. बेस्ट प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करते हैं, ओवरलोड, रिवर्स करंट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, प्लीज बताइएगा. स्टार्टिंग में बता दिया था. शिवम जी, हमारे नहीं आता आर्क वोल्टेज. आर्क, अरे वोल्टेज वही है, सब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के बीच में आ रहा है, लेकिन किस इंस्टेंट पे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं. बेस्ट प्रोटेक्शन किसके अकॉर्डिंग, शॉर्ट सर्किट के अकॉर्डिंग. फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. SF6 गैस कैसी होती है, येलो कलर में होती है, एयर से लाइट होती है, नॉन टॉक्सिक होती है, या हैज पंजेट स्मॉल, विच इज द करेक्ट आंसर. SF6 गैस कैसी होती है, नॉन टॉक्सिक होती है. ठीक है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. ए प्रोटेक्टिव डिवाइस विच रिड्यूसेस द स्टिफनेस ऑफ वेव फ्रंट ऑफ ए सर्ज बाय अब्सॉर्बिंग सर्ज एनर्जी इज कॉल्ड. स्टिफनेस ऑफ वेव फ्रंट को कौन रिड्यूस करता है, सर्ज डाइवर्टर, सर्ज एब्जॉर्बर, स्विचिंग सर्जेस, या अर्थनिंग स्क्रीन, बताइएगा प्लीज. सर्ज एब्जॉर्बर इज द करेक्ट आंसर. ठीक, देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो मैंने टाइम की कमी थी तो मैं अरेंज नहीं कर पाया उनको प्रॉपर. और इसको अगर आप अभी ऐसे करना चाहते हो तो फिर तो मैं बता सकता हूं, नहीं तो फिर कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे. ठीक है, इनमें आंसर जो है उसी पेज पे मिलेगा आपको.
टाइम मुझे मिला नहीं, एक्चुअली बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं। तीन बज गए थे जब मैंने दो सीट अरेंज की थी। ठीक है, देखो जरा प्लीज, कुछ क्वेश्चंस है वो तो बता दो। रिलेज कैन बी डिजाइन टू रेस्पॉन्ड टू चेंज इन रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। सर्किट ब्रेकर यूजुअली ऑपरेट अंडर, कहाँ ऑपरेट होते हैं? ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, सब ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, द स्टेडी स्टेट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट आफ्टर डीसी कंपोनेंट हैज सीज्ड। सब ट्रांजिएंट स्टेट में, सब ट्रांजिएंट स्टेट में हमारे पास जो है वो सर्किट ब्रेकर, सब ट्रांजिएंट नहीं, सब ट्रांजिएंट तो बहुत जल्दी आ जाती है, सॉरी, ट्रांजिएंट स्टेट में ऑपरेट करना चाहिए। सब ट्रांजिएंट के बाद कौन सी स्टेट आएगी? ट्रांजिएंट स्टेट आएगी। तो देखो जरा प्लीज, मैं आपको बताता हूँ एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके, यहाँ पे जो ये वेव फॉर्म है हमारी, एक मिनट रुकिएगा, होल्ड करिएगा, इसको वापस रीओपन करना पड़ेगा मुझे, होल्ड करिएगा एक बार। एक मिनट रुकिएगा, दिख गया, देखो जरा प्लीज। ये देखो जरा प्लीज, स्टार्टिंग में जो टाइम पीरियड होगा वो हमारे पास क्या होगा? सब ट्रांजिएंट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जो साइकिल होता है, देन हमारे पास ये जो है सब ट्रांजिएंट है, और ये वाला जो टाइम पीरियड है ये कौन सा है? ट्रांजिएंट पीरियड है। ये हमारे पास जो टाइम है ये ट्रांजिएंट पीरियड है। तो हमारे पास जो सर्किट ब्रेकर है वो कहाँ ओपन हो जाना चाहिए? ट्रांजिएंट पीरियड में क्या हो जाना चाहिए? ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक। अब देखिएगा जरा प्लीज, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या होगा कि ट्रांजिएंट स्टेट में सब ट्रांजिएंट तो बहुत जल्दी आती है, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट जो आती है। ठीक है, अब हमारे पास ये रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है सही ऑप्शन क्या रहेगा? सब ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ ए शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। किसी ने पूछा था सर फोर्थ ऑप्शन का क्या मतलब है? डीसी कंपोनेंट हैज सीज्ड। डीसी कंपोनेंट हैज सीज्ड मतलब जब हमारे पास फाइनली करंट जो है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये डीसी कंपोनेंट मतलब जब ये ई डीसी कंपोनेंट जो फॉल्ट का था वो कब आएगा? ई की पावर -RT/L, तो ये टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके सीज होता है। तो सर्किट ब्रेकर क्या है? अनंत टाइम तक रुकेगा? नहीं रुकेगा। ठीक है, डीसी कंपोनेंट तो इनफाइनाइट टाइम पे जाके सीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब ट्रांजिएंट स्टेट में ऑपरेट करेगा, सॉरी, ट्रांजिएंट स्टेट में हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक, आगे देखो जरा प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो जरा प्लीज। हाँ, तो स्टार्टिंग के दो साइकिल तो सब ट्रांजिएंट के होंगे, बाद में ये रहेगा। सर्किट ब्रेकर है आर एसेंशियली क्या होते हैं? सर्किट ब्रेकर करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स, कोल्ड इलेक्ट्रोड्स, आर्क एक्सटिंगर्स होते हैं, सर्किट टू ब्रेक द सिस्टम, ट्रांसफॉर्म द आइसोलेट टू सिस्टम्स। बताइए सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं? विच इज द करेक्ट आंसर? सर्किट ब्रेकर में क्या होते हैं? दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन से कॉन्टेक्ट होते हैं? एक फिक्स कॉन्टेक्ट और एक मूविंग कॉन्टेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अब जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे, मैं प्रॉपर अरेंज नहीं कर पाया, टाइम की कमी थी। द करंट जीरो इंटरप्शन इन ए ऑयल एंड सर्किट ब्रेकर इज अचीव्ड बाय ऑयल एंड एयर ब्लास्ट। सर्किट ब्रेकर में हमारे पास करंट इंटरप्शन जो है वो कैसे अचीव किया जाता है, उसका बताइएगा प्लीज। एयर ब्लास्ट सर्किट में ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी तो होगी होगी, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या करते थे, ऑयल सर्किट ब्रेकर है या फिर हमारे पास एयर सर्किट ब्रेकर है। अगर एयर है, एयर में हम एयर लेंथ को भी इंक्रीज करते थे, लेंथ को क्या करते थे, इंक्रीज करते थे, और फिर आर्क स्प्लिटर का यूज करते थे। अगर आर्क स्प्लिटर का यूज करोगे तो कूलिंग हो जाएगी, तो इसका मतलब कूलिंग का मतलब क्या है, आर्क स्प्लिटर यूज कर रहे हो। ब्लास्ट इफेक्ट मतलब हाई प्रेशर एयर का यूज कर रहे हो, और लेंथ मतलब आप क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पे आंसर तो सबको पता ही चल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज यूज फॉर आवर करंट्स, शॉर्ट ड्यूटी, इंटरमिटेंट ड्यूटी और रिपीटेड ड्यूटी। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज आप कहाँ करोगे? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो है वो रेलवे में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, हमने बताया था। रेलवे में इसका यूज करने का एकमात्र कारण ये है कि ये रिपीटेड यूज ड्यूटी में यूज किए जाते हैं। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक, रिपीटेड ड्यूटी में, सुनीता जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक एफिशिएंट और वेल डिजाइन प्रोटेक्टिव रिले में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? एक एफिशिएंट और वेल डिजाइन प्रोटेक्टिव रिले में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? गुड सेलेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी, इकोनॉमी एंड सिंप्लिसिटी, हाई स्पीड एंड सेलेक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप कॉमन सेंस से दे सकते हो। सेलेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, कौन रोक रहा है, रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, भूपेंद्र जी लेट आ रहे हो, क्या बात है। ठीक है, ऑल ऑफ अबव, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करके बताओ फटाफट, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में फिक्स है एक तरह से, ऐसे समझ लो आईएन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दुनिया में इसके अलावा कोई डेटा ही नहीं आएगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से, लोगों को इसका आंसर भी याद होता है। इफ द फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट कितनी है? कौन सा 19 वाला क्वेश्चन है यार, 19 वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये तो 18 है, 19 कौन सा था? इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर में तो हमारे पास दो कॉन्टेक्ट होते हैं, फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट। ये तो एक मैकेनिकल डिवाइस है। आर्क एक्सटिंगस तो क्या होता है? सर्किट टू ब्रेक द सिस्टम। सिस्टम को ब्रेक कैसे करना, सिस्टम को कैसे ब्रेक करना? अरे इसका मतलब पूछा है कि सर्किट ब्रेकर में होता क्या है, एसेंशियली वर्ड का मतलब तो समझो। इन्होंने ये नहीं पूछा कि किसके लिए यूज किया जाता है। सर्किट ब्रेकर आर एसेंशियली क्या होते हैं, ये होते क्या है ये समझो,
किसके लिए यूज किया जाता है ये तो नहीं पूछा ना। हाँ बात समझ में आ गया, सर्किट को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन होते क्या है ये बताओ। सर्किट ब्रेकर में क्या होता है? सर्किट ब्रेकर में एक रिजर्वायर होता है, आर्क एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी होती है, करंट कैरिंग के कॉन्टेक्ट होते हैं, दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक फिक्स कॉन्टेक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टेक्ट होता है। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है? स्ट्रक्चर पूछा है, ठीक बात। आगे देखो जरा प्लीज। इस क्वेश्चन का आंसर पूछो, बताओ। फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो आप कैसे निकाल सकते हो, यहां पे आपको निकालना है पीएसएम, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। क्वेश्चन इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, अगर सीटी प्राइमरी साइड 400 एम्पियर करंट देख रही है तो सेकेंडरी साइड कितनी करंट देखी, 5 एम्पियर। अगर सीटी जो है प्राइमरी साइड 2000 एम्पियर करंट देख रही है तो यहां पे सेकेंडरी साइड कितनी देखेगी, 25 एम्पियर। तो फॉल्ट करंट है क्या रियलिटी में, फॉल्ट करंट सीटी के सेकेंडरी साइड है 25 एम्पियर, और करंट सेटिंग कितनी है 0.5, कितनी है 0.5, है ना, और सेकेंडरी जो करंट है रिले की वो सीटी करंट कितनी है 5। तो यहां पे कितना हो जाएगा 25/2, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, दूसरा तरीका बताता हूं मैं, सीटी के रेशियो में मत पढ़ो, मैं आपको सीधा सा बताता हूं दूसरा तरीका क्या। आपको देखनी है फॉल्ट करंट कितनी है, रेशियो लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपके पास 2000 एम्पीयर लिख दो, ठीक है। उसके बाद करंट सेटिंग है उसकी वैल्यू लिख दो 0.5, उसके बाद जो प्राइमरी करंट है वो रख दो, रेशियो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 / 0.5, कितना आ जाएगा 10। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन जो है तो हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अभी जस्ट आरपीएससी लेक्चरर में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे भी ये 10 क्वेश्चन, डेटा भी नहीं चेंज करते, क्योंकि गिना चुना सारी बुक्स में यही एक क्वेश्चन है, डेटा भी नहीं चेंज करते। 10 आंसर याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो आप, ठीक है। प्लग सेटिंग ऑफ ए रिले कैन बी, प्लग सेटिंग को आप किसी भी रिले के प्लग सेटिंग को आप कैसे चेंज कर सकते हो, अल्टर्ड बाय वेरिंग एयर गैप ऑफ मैग्नेटिक पाथ, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, एडजस्टेबल बैकअप स्टॉप, या नन ऑफ द एबो। क्या 89 केवीए का क्या चयन नहीं होता, समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन चल रहा है। प्लग सेटिंग ऑफ ए रिले, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आप कैसे चेंज करोगे, मैंने आपको बताया था ना, एमएमएफ चेंज करोगे। एमएमएफ क्या होता है, एमएमएफ होता है एन इंटू आई, एम्पियर टर्न की क्या यूनिट होती है एमएमएफ की, एम्पियर इंटू टर्न, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैकिंग करंट इज ए वैल्यू, मैकिंग करंट कैसी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, पीक वैल्यू है, एनी ऑफ द अबव, प्लीज आंसर बताइएगा। मैकिंग करंट इज ए वैल्यू, पीक वैल्यू, बहुत बढ़िया। मैकिंग करंट कितनी होती है, 2.55 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट 2.55 टाइम्स होती है पीक वैल्यू करंट। सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट कैसी होगी, आरएमएस वैल्यू होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आरएमएस वैल्यू होती है। ब्रेकिंग करंट वो भी आरएमएस होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, पीक वैल्यू होगी, ठीक बात।
ब्रेकिंग करंट वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ब्रेकिंग करंट की कैसी वैल्यू होती है? ब्रेकिंग करंट इज आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एनी ऑफ द अबव। तो ब्रेकिंग करंट में हम पहले ही बता चुके हैं हेमलता जी, ये कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू होती है। विच वैल्यू इज देयर? आरएमएस वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। इसमें आपको पिकअप करंट बतानी है, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पिकअप करंट बतानी है। बताओ पीएसएम क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू अपॉन करंट अपॉन पिकअप करंट। और पिकअप करंट क्या होगी? पिकअप करंट होगी करंट सेटिंग इनटू सिटी सेकेंडरी करंट, सिटी की सेकेंडरी करंट। प्लीज फटाफट बताओ, इस क्वेश्चन में कोई ओवर करंट रिले है जिसमें सिटी की सेटिंग है आपके पास 125% और सिटी की सेकेंडरी करंट है 5 एम्पियर, पिकअप करंट बतानी है, बताइएगा जल्दी से। आईपी कितना होगा? 1.25 × 5 कितना होगा? 6.25 एम्पियर। बहुत बढ़िया ज्योति जी, वेरी गुड। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अजय जी बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंट ऑफ ए 3-phase AC circuit ब्रेकर्स इन पावर सिस्टम आर रेस्पेक्टिवली। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास, बताइएगा। मेकिंग करंट और ब्रेकिंग करंट रेस्पेक्टिवली कैसी होती है प्लीज बताइएगा। आरएमएस एंड आरएमएस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस एंड आरएमएस वैल्यू, आरएमएस एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, या एनी ऑफ द अबव। मेकिंग एंड ब्रेकिंग करंट हमारे पास कैसी होती है? मेकिंग करंट तो इंस्टेंटेनियस होती है और ब्रेकिंग करंट कैसी होती है? आरएमएस वैल्यू होती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया ज्योति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक 220 kV का सिस्टम है हमारे पास जिसका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दे रखा है। इंडक्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास? इंडक्टेंस दे रखा है 25 mH और कैपेसिटेंस दे रखा है 0.025 μF। आपको बताना है ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के अक्रॉस जो रजिस्टर लगाते हैं ना, उस रजिस्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये पूछा है। बताओ फटाफट। कैलकुलेट करके बताओ, दिख तो रहा है सबको, मुझे पता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.5 √L/C, ये हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 × √L कितना है? L है 25 × 10⁻³ और 0.05 × 10⁻⁶। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 × 25 × 10⁻²⁻¹⁰। ये कितना आ जाएगा? √ 10⁻²⁰ नहीं, ये हो जाएगा 10⁻⁶ और 10⁻⁶0.5 × 10⁻³, दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 500 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500 ओम इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 500 ओम हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the relay has the capability of anticipating the possible major fault of a transformer? किसी भी transformer के major fault को anticipate करना है तो हमारे पास कौन सी relay use करेंगे? Our current relay, differential relay, Buchholz relay और our flexing relay। अभिलाषी जी बहुत बढ़िया, इस बार अभिलाषा ने correct answer दिया है। सृष्टि जी very good, बहुत बढ़िया। Buchholz relay is the correct answer. C is the correct answer. सबसे major fault use के लिए हमारे पास ये relay use की जाती है। More relay का use जो है कौन सी transmission line के लिए करते हैं? Again repeat,
शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन या एनी लाइन, प्लीज फटाफट बताइएगा। मो रिले का यूज जो है हम करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, सबसे ज्यादा मो रिले का यूज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो कौन से मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर को कौन से मटेरियल से बनाते हैं, कॉपर, सिल्वर, सिलिकॉन ऑक्साइड या फिर एनी ऑफ द अबव, कौन से मटेरियल से लाइटनिंग अरेस्टर को बनाया जाता है। फटाफट बताइएगा। सिलिकॉन ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड जो है हमारे पास उस मटेरियल से इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा लाइटनिंग के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जनरली हमारे पास कौन कौन से मटेरियल रहते हैं, मेटल ऑक्साइड लाइक सिलिकॉन ऑक्साइड या फिर जिंक कार्बाइड बोल सकते हो, जिंक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। ठीक है, ये यूज किया जाता है जिनमें कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन ए सब स्टेशन ऑपरेटिंग ए प्रोटेक्टिव रिले, रिले को ऑपरेट कराने के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मर जो है वो यूज किया जाता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ऑल ऑफ द अबव, प्लीज बताइएगा। तो यहां पे सीवीटी यूज किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीवीटी, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो किसकी तरह होता है, पीटी की तरह ही होता है हमारे पास, है ना, लेकिन इसमें हमारे पास कैपेसिटेंस साथ में इंक्लूड करते हैं पोलराइजेशन सर्किट के लिए। मैंने बताया था आपको पोलराइजिंग सर्किट में क्या यूज करोगे, कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप जो है कौन सी डिवाइस का यूज जो है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए करोगे, सीवीटी, सर्किट ब्रेकर, करंट ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर, प्लीज बताइए फटाफट। ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा इक्विपमेंट आप यूज करोगे, बी इज द सर्किट ब्रेकर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, सर्किट ब्रेकर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, सर्किट ब्रेकर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोलेटर इन ए सब स्टेशन इज ओपन अंडर कंडीशन, नो लोड कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, फुल लोड कंडीशन, एनी ऑफ द अबव, फटाफट बताइए। आइसोलेटर का यूज जो है कौन सी कंडीशन में करते हैं, इजी इजी से क्वेश्चन है जो हम पहले बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं, फटाफट बताइएगा। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में नहीं, कुणाल जी, अभिलाषा जी नहीं, आइसोलेटर का यूज जो है वो ओपन सर्किट कंडीशन में करते हैं, नो लोड कंडीशन में, इज द करेक्ट आंसर। दिव्या जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अर्थिंग स्विच का यूज जो है वो कहाँ किया जाता है, मेजरिंग ऑफ सेफ्टी वोल्टेज, प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम ग्राउंड फॉल्ट, डिस्चार्जिंग द रेजिडुअल एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव, व्हिच इज द करेक्ट आंसर। अर्थिंग स्विच का यूज जो है वो कहाँ किया जाता है, प्लीज बताइएगा। अर्थिंग स्विच का कहाँ यूज किया जाता था, मैं पहले बता चुका हूं इसको, ग्राउंड फॉल्ट से प्रोटेक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, ये तो हमारे पास जो है रेजिडुअल एनर्जी को खत्म करने के लिए काम होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ अबव नहीं होगा, थोड़ा भावुक होकर आप डी ऑप्शन लिख दोगे मुझे पता है, लेकिन ऑल ऑफ अबव नहीं है यहाँ पे हमारे पास, विच ऑप्शन इज द करेक्ट, रेजिडुअल एनर्जी को खत्म करने के लिए हमारे पास ये यूज किया जाता है, सी ऑप्शन रहेगा।
कुणाल जी क्या कमेंट कर रहे हो, फालतू के कमेंट नहीं करेंगे। टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर स्टार स्टार विद न्यूट्रल ग्राउंडेड अगेंस्ट फॉल्ट विच ऑफ द कनेक्शन टू बी यूज फॉर द सिटी, सिटी के लिए कौन से, ये लास्ट वार्निंग है कुलान जी आपके। वैसे तो हम किसी को माफ नहीं करते लेकिन उसको तुरंत प्रभाव से आउट कर देते हैं, यहाँ पे रूल रेगुलेशन जो है बहुत कड़े हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया है, ठीक है। आगे आप इसका आंसर दो फटाफट। स्टार स्टार के लिए सिटी कौन से यूज करेंगे, स्टार स्टार कनेक्शन के लिए सिटी कौन सी यूज करोगे, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की, ठीक है। जस्ट उल्टा होता है हमारे पास, हम बता चुके हैं, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की, ठीक है। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के लिए आप ये यूज करोगे, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार डेल्टा के लिए आप कौन सा यूज करोगे, इसमें और भी ऑप्शन है अगले पेज पे। स्टार डेल्टा के लिए आप कौन सी सिटी यूज करोगे, फटाफट बताओ, विच टाइप ऑफ सिटी, इसमें चेंज कर दीजिएगा, सिटी लिख दीजिएगा, सिटी कौन सी यूज करोगे स्टार डेल्टा के लिए। स्टार के लिए डेल्टा और डेल्टा के लिए स्टार, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डेल्टा स्टार ऑप्शन, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डेल्टा स्टार, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा न्यूमेरिकल है लेकिन अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिएगा आप फटाफट, है ना, ठीक है। ए 50 हर्ट्ज 17.32 kV जनरेटर जो है वो पावर सिस्टम से कनेक्टेड है, सिस्टम का जो रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस है, मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दे रखा है, इंडक्टेंस कितना दे रखा है 10 mH और कैपेसिटेंस जो दे रखा है 0.2 mF, ये दे रखा है। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्किट एट एन इंस्टेंट व्हेन इट पास थ्रू द जीरो, आपको क्या बताना है बताओ जरा प्लीज। मैक्सिमम वोल्टेज क्या आता है बताओ, कितना आता है हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज, ट्वाइस ऑफ ईएम, ऐसा बोलते हैं ना, ट्वाइस ऑफ ईएम बताया था मैंने आपको। मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है, 2 × √2 × E फेज, और ई फेज कितना होगा, 2 √2 × ln/√3, ये होगा, ये हमारे पास रहेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हो, तो यहां पर हमारे पास होगा क्या, 2 × √2, और लाइन वोल्टेज कितना दे रखा है, आरएमएस वैल्यू 17.32 √3, तो ये हमारे पास आंसर लगभग कितना आ जाएगा, 22.28.28 kV, आप चेक कर लीजिएगा प्लीज, है ना। कुछ अलग आ रहा है तो भी देख लीजिएगा, मैं आप यहाँ पे कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा क्या आएगा, लेकिन कैलकुलेशन यही होगी, ठीक है। मैंने आपको ये 2-3 बार बताया भी था कि हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसे करते हैं मैक्सिमम वोल्टेज के लिए। ईएचवी लाइन के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करोगे बताओ फटाफट, ईएचवी लाइन के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करोगे। व्हाट इज द प्रिफर्ड टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर टू इंस्टॉल ईएचवी लाइन, ईएचवी एसी सिस्टम के लिए 400 kV तक कौन सा हम यूज करते थे, फटाफट बताइएगा। SF6 वैक्यूम सर्किट ब्रेकर रेटिंग मैंने आपको बताई थी, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, विच सर्किट ब्रेकर इज यूज फॉर द, ये हाईली रिलायबल एंड लेस मेंटेनेंस है SF6 की, लेकिन आपको यहां पे रेटिंग के हिसाब से बताना है, रेटिंग मैंने आपको बता दी है पहले से। तो रेटिंग हमारे पास सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास रहती है, वो किसकी रहती है, रेटिंग आप देखिएगा किसकी रहती है, हाईएस्ट, जिसकी हाईएस्ट रेटिंग रहेगी उसको यूज करेंगे हमारे पास, हाईएस्ट रेटिंग
कितनी बताई थी आपको, एयर ब्लास्ट की बताई थी या SF6 की बताई थी? यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे बताइएगा हाईएस्ट रेटिंग किसकी होती है, एयर ब्लास्ट की होती है कि SF6 की होती है? एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ अब बताइए मुझे किसकी हाईएस्ट रेटिंग होती है यहाँ पर, SF6 की होती है, एयर ब्लास्ट की होती है? देखो ये आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा किसी स्टैंडर्ड बुक से, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है ठीक है, ये देख लीजिएगा, आई हैव नो आइडिया, रेटिंग देख लीजिएगा, जिसकी रेटिंग हाई होगी वो यूज होगा। ठीक है मुझे कंफ्यूजन हो रहा है एयर ब्लास्ट और SF6 में, क्योंकि मैंने जो कंपैरिजन क्रिएट किया था उसमें एयर ब्लास्ट को EHV के लिए यूज करते थे, लेकिन यहाँ जो कंपैरिजन दे रखा है वो SF6 के अकॉर्डिंग है। ठीक, या फिर कल बता देंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑफसेट मोर रिले का अपन ने यूज कहाँ किया था, कौन सी जगह बताओ तो जरा, यूज किया था ऑफसेट मोर रिले का, फेलियर ऑफ प्राइम मूवर ऑफ जनरेटर, लॉस ऑफ एक्साइटेशन ऑफ जनरेटर, आइदर वन और टू, नन ऑफ द अबव, प्लीज फटाफट बताइएगा। ऑफसेट मोर रिले जो है वो कहाँ यूज होती है, इसको अपन ने सॉल्व करवाया था ना, इसको हमने सॉल्व करवाया था। अगर आपके पास एक्साइटेशन फेलियर हो जाता है तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता था, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम मोर रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर देते थे, शिफ्ट करते थे, मतलब सेट करते थे, वापस सेट करते थे, कहाँ सेट करते थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो उस रिले को हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट मोर रिले बोलते हैं, क्लियर, उसके लिए लॉस ऑफ एक्साइटेशन में इसका यूज करते हैं। ठीक है बिल्कुल बढ़िया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, एक मिनट, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ प्राइम मूवर ऑफ जनरेटर, प्राइम मूवर फेलियर हो जाए तो आप कौन सी रिले यूज करोगे, ऑफसेट मोर रिले, रिवर्स पावर रिले, इंपेडेंस रिले या फिर डिस्टेंस रिले? पावर फेलियर में आप कौन सी रिले यूज करोगे? अगर प्राइम मूवर जो फेलियर हो जाए, प्राइम मूवर फेलियर हो जाए तो मैकेनिकल एनर्जी तो मिलेगी नहीं, क्या नहीं मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, और मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेटर किधर से लेगा, बस बार से लेगा, क्योंकि बस बार पे जो है बहुत सारे जनरेटर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो बस बार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस अंदर की तरफ लेगा तो पावर का फ्लो कैसा होगा, रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स पावर के फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा रिले लेंगे, रिवर्स पावर रिले लेंगे। ठीक है सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है और बाकी जो है इसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे जो सेम है, आप इससे देख लीजिएगा और PDF रीड कर लीजिएगा, आपको 10 मिनट के अंदर WhatsApp पे ये और Telegram पे PDF मिल जाएगी। ठीक है और कोई डाउट हो तो अलग से वो बताओ मुझे प्लीज फटाफट। देखो स्टार्टिंग में जो स्विचगेयर एंड प्रोटेक्शन में अपन ने 20-25 क्वेश्चन लिए थे ना, उनको आप प्रॉपरली नोट्स रिवाइज कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप इजीली बाकी जो क्वेश्चन अपन ने समझा रखे हैं वो इजीली हो जाएंगे। ठीक है उन क्वेश्चंस को जो थर्मल ओवरलोड वाले, शॉर्ट सर्किट वाले, उनको थोड़ा प्रॉपर नोट्स में मेंटेन करिएगा। ठीक है
बिल्कुल अभी भेज रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर। टाइम लगेगा थोड़ा सा इसको क्रिएट करने में। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। चार रजिस्टर फुल हो गए मेरे, वो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनको पूछना, हर 5वें दिन 7वें दिन नया रजिस्टर आता था। तीन बजे स्टार्ट की थी भूपेंद्र जी, 3 बजे क्लास स्टार्ट की थी, 3 PM, और 6 PM पे वो यहाँ पे चेकिंग लग जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा। इंडिया जीके एवरीडे साइंस देखो, IBPS के पुराने पैटर्न देखो, उसको एनालिसिस करो, उससे करो, क्योंकि नॉन टेक मैं पढ़ाता नहीं हूँ, दूसरी फैकल्टी है वो पढ़ाती है, तो वो आपको बेहतर तरीके से बता सकती है। ठीक है, और बताइए। हाँ क्वेश्चन, जीके क्वेश्चंस। टेस्ट सीरीज में फर्स्ट टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन ऐड कर दिया है, उसको देख लीजिएगा, जिसको जिसको दिक्कत आ रही थी फर्स्ट टेस्ट के सर्किट सॉल्यूशन में, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अरे नहीं बाड़मेर छोटा सा सिटी है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है, डाउट है तो आने दीजिए, नहीं तो फिर कल मिलेंगे, कल नहीं परसों, संडे ऑफ रहेगा। ठीक है, हाँ वो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जरा प्लीज। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था, वहां पे जो लाइब्रेरी है, वहां पे जो प्रोफेसर है, वो उनको किसने वहां पे खत्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, प्लीज बताइएगा। नालंदा वाला आंसर दीजिएगा। बख्तियार खिलजी, वेरी गुड, बख्तियार खिलजी इज द करेक्ट आंसर, बख्तियार खिलजी। ठीक है, ठीक है, फिर मिलेंगे, है ना, ओके, थैंक यू सो मच। और वो तीनों जो योजना थी वो यूथ के स्किल डेवलपमेंट के लिए थी, तो उसमें आपको डिफरेंस क्या ध्यान रखना है, डिफरेंस एज का ध्यान रखना है, किसी की 30 से 45 है या फिर किसी की 15 से 45 है, कुछ इस तरह से है, एज का डिफरेंस है। राजविक सक्षम एंड सामर्थ्य, तीन अलग अलग योजनाएं बताई थी आपको, उसमें एज का डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत था, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे मंडे को, पावर सिस्टम को खत्म करेंगे मंडे को। ठीक है, थोड़ा बहुत जो बचा है, ठीक है, अगर आप चाहते हो जनरेशन करवाया जाए, अगर जनरेशन आप अपने आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कराया जाए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है।